सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आप लोगों की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फुल चैप्टर, जिसके अंदर हम सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सारी एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। और सबसे मजे की बात यह है कि इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इसके जो फॉर्मूले हैं वही इसका कॉन्सेप्ट है, जिसको इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली इमेजेस और फिगर्स और सॉलिड्स के फॉर्मूले याद हो गए, समझ लो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें जितनी भी आपकी फिगर बनती है, आपका स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, जो भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, उन सब के ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आप ये पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह कर डालेंगे। और इसके फॉर्मूलों को याद कैसे रखना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने ये बिल्कुल बहुत ही डिटेल में समझाया था कि कैसे हमें फॉर्मूले को याद रखना है और वो कैसे बने हैं। पूरी इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, लेकिन मैं अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि जाओ ये वाली वीडियो देखकर फिर आओ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मैं इस वीडियो को इसी वीडियो के अंदर मर्ज कर रहा हूं। अब आपने ये वीडियो खोली तो आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, बस यहीं पर बैठे रहो, यही वीडियो देखते रहो, इसी वीडियो में मर्ज कर देता हूं। पहले ये वाली वीडियो चलेगी, जो भी 15-16 मिनट की वीडियो, जिसमें फॉर्मूले सिखाए गए कि कैसे उनको याद रखना है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले याद हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो अगर चाहें, अगर डायरेक्ट ही एक्सरसाइज देखना चाहें, तो वो डायरेक्ट ही एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। यहां पर मैंने टाइम दिखा दिया है कि कौन सी एक्सरसाइज कितने कितने मिनट पे वीडियो के स्टार्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट 13.1 देखनी है तो आप उतने मिनट पे ही वीडियो स्किप कर सकते हैं, 2 के हिसाब से उतने पे स्किप कर दीजिए, 3 के हिसाब से उतने पे स्किप कर दीजिए। तो यहां पर टाइम आ रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज कितने मिनट पे स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए डायरेक्ट उतने मिनट पे चले जाओ, अदरवाइज आप शुरू से वीडियो देखिए, पूरी फॉर्मूले भी सीखिए, कैसे याद करना है वो भी सीखिए, और फिर एक्सरसाइज सीखिए जब आपको मजा आएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने सपोर्ट हमें बनाए रखा, जहां से हम 7 मिलियन सब्सक्राइबर तक आ चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना सपोर्ट, ऐसे ही अपना प्यार हमसे दिखाते रहे, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। मैथ्स आने से ही तो हो गए सफल, तुमने रेशनल नंबर्स बनाए, तो कोई फ्रैक्शन दे रखी हो जिसमें कहां में निकालना है, तो 4 के 4 के मतलब 52। करते हैं इस क्रांतिकारी वीडियो को, सिर्फ 2 फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, बस देखते रहो मेरे साथ बिना पलक झपकाए। कौन से हैं 2 फॉर्मूले, बस 2 फॉर्मूले याद रख लो आप, L और B और पाई और R, बस इनको याद रखो आप, L और B को याद रखो और पाई और R को याद रखो। अब देखिए कैसे जादू होगा और सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे, आपकी आंखों के सामने बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला L और B से यही बन गया, L * B, लंबाई गुणा चौड़ाई। किस चीज का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल के एरिया का। अगर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया, एक क्षेत्रफल निकालना हो, L * B कर दोगे, निकल के आ जाएगा, पहला फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला भी आपका रेक्टेंगल से ही रिलेटेड है, वो कौन सा है, वो है आपका पेरीमीटर का। अगर आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका परिमाप निकालना हो, क्या होता है, इसकी बाउंड्री निकालनी हो, बाउंड्री को क्या है इसकी, भाई L है, B है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं। अगर मैं इन दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ दूंगा, या मैं क्या करूंगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूंगा, तो इधर का भी निकल के आ जाएगा, तो इसकी पूरी बाउंड्री निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। देखिए, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है मेरा। यहां से आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया 2L प्लस B, L और B, बस यही याद रखना है आपको। आइए अब बढ़ते हैं हम 3D फिगर की तरफ। ये तो हमारी 2D फिगर थी, वही रेक्टेंगल था। अब रेक्टेंगल से कौन सी 3D फिगर बन सकती है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है। अब बात करते हैं इसके 3 फॉर्मूले आपके होंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा डंके के चोट पे, बस देखते रहो। यहां पर देखिए 3 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे क्यूबॉइड के। एक बनेगा का कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये अभी आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सूटकेस, ठीक है, मतलब क्यूबॉइड का एक बेस्ट एग्जांपल। देखिए क्यूबॉइड एक 3D फिगर होती है, उसमें 3 आयाम, 3 डायमेंशन होते हैं, एक आपकी लंबाई होगी, एक आपकी उसकी कुछ चौड़ाई होगी, एक आपकी ऊंचाई होगी। तो इसका CSA क्या होगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा इसकी 4 दीवारों का एरिया, जिसकी 4 दीवारें हैं ना, ये 1, 2, 3 और ये 4, इसका अगर हम एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल
निकाल ले होंगे, मतलब हम इसके पैंदे को छोड़ के और इसके इस ऊपरी भाग को छोड़कर चार दीवारों का निकालेंगे, ये होता है कर्ड सरफेस एरिया। और जादू होने वाला है, क्या जादू करने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये करूँ, ये फॉर्मूला लिख दूँ, सर ये क्या कर रहे हो, ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अरे हाँ पेरीमीटर का होता है, लेकिन जादू अब होगा। जादू ये होगा कि अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर के एरिया में सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो सी ए से बन जाएगा क्यूबॉइड का। जी हाँ, बिलीव ना हो तो आप चेक कर लेना, ये होता है आपका क्यूबॉइड का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है 2l प्लस बी इन टू एच, आप लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई को डबल करके उसमें उसकी जो हाइट दे रखी होगी ना हमें, उससे आप गुणा कर देना, l और b याद रखो बस। आइए अब अगर आपको इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल में आ जाएगा आपका कुल सारा एरिया निकालो, अब जिस जिसको छू सकते हो आप, सब कुछ निकलेगा अब आपका इसका, अब चारों दीवारें भी निकलेंगी, इसका पैंदा भी निकलेगा और का जो ये ऊपर का सब कुछ निकलेगा, मतलब छह सरफेस हो गए भाई, एक दो तीन चार और पांच और एक ये छह। अब देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल सामने बना, एक इसके पीछे बना, एक इसके आगे बना, एक इसके पीछे, एक ऊपर बना, एक नीचे बना। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी एल और बी से ही बनाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो, देखिए कैसे बनेगा। यहां पर देखिए, यहाँ पर सामने मुझे नजर आ रहा है एक रेक्टेंगल जिसको हम जिसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है H, तो यहाँ पर एक LH ये हो गया और एक LH ही इसके पीछे होगा, ठीक है। तो कितने LH हो गए, दो हमारे पास हो जाएंगे LH, ठीक है, या HL लिख सकते हैं, LH लिख दो, बात एक ही है, मैंने HL लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस रेक्टेंगल की इधर से सरफेस निकालूं तो ये हो जाएगा बी इन टू एच, एक बी इन टू एच इधर है, एक इसके पीछे होगा, तो दो हमारे पास BH हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे, दो BH हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे का निकलेगा टोटल में, अब ऊपर क्या है भाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब ये B है, तो LB L into B से ये निकलेगा पार्ट, और इसके नीचे भी एक L into B है, मतलब दो LB हो गए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वो होगा 2LB plus BH plus HL, सब कुछ दो दो हैं, दो LB है, दो BH है, दो HL है, दो LB हो जाएंगे आपके, दो BH हो जाएंगे, दो आपके H और L हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ एल और बी से ही। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, आयतन, कैपेसिटी, कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, डब्बे में कितना सामान आ सकता है। बहुत आसान है, एल बी याद है ना आपको, बस उस एल बी में जो इसकी हाइट दे रखी होगी ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। एल इन टू बी इन टू एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। कैसे आ रहा है, बहुत आसान है भाई, ये है एल इन टू बी, इसका अगर मैं एरिया निकालू, एल इन टू बी में एच और कर दो, एच और कर दो, एच और करने से इस पूरे की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से ये आपके एल और बी से ही, यहां पर कितने, दो फॉर्मूले इसके होगा, तीन इसके होगा, पांच फॉर्मूले मैंने आपको बनवा दिए, अभी शुरुआत हुई है वीडियो की। पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्यों कर देना उसका रीजन भी आपको बता रहा हूं मैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं सारे फॉर्मूले को निकालना और याद करना, इससे अगले ही दिन एक दो दिन में मैं एक और वीडियो लाके लेकर आऊंगा आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या अगर क्वेश्चंस आ जाए इनके ऊपर बेस्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से, उनको कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए अब बात करते हैं हम स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है आपका वर्ग हिंदी में बोलते हैं। यहां पर मैंने फिगर बना रखी है, ये एक 2D फिगर है, आपको ध्यान रखना है एल और बी इसी से बनेंगे, अभी कैसे बनेंगे वो भी आपको बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अब इधर सबसे पहले बात करेंगे इसके एरिए की, तो मैंने आपको बताया भाई एल बी याद रखो। अब सर ये क्या बात करी आपने, एल बी इसके फॉर्मूले में भी लगा दिया, एल बी तो हमारे पास हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, हमें याद है इसका थोड़ी होता है, इसका भी एक तरीके से एल बी ही होता है, क्यों होता है बता रहा हूँ। देखिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है यहाँ पर a अगर हम माने, और इसकी चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई लंबाई बराबर होती है सब कुछ, सारी साइड से बराबर होती है स्क्वायर की, तो एक वर्ग की, तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है, तो इसका मतलब अगर उसकी लंबाई को मैंने a माना तो जो लंबाई है चौड़ाई भी a होगी, तो a का स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया निकल के, ठीक है, a का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एल इन टू बी से ही इसका भी आपके पास एरिया निकल के आ चुका है, ठीक है, एल बी याद रखो। अब हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की, देखिए यहां पर साइड्स कितनी है, चार साइड हैं और सारी ही साइड बराबर हैं, मतलब मैं अगर किसी भी एक साइड का चार गुना कर दूं तो उसकी चारों साइड आ जाएंगी, उसकी पूरी बाउंड्री आ जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये करना है 4 into a करना है,
यह आ गया इसका बाउंड्री निकल के, इसकी इसका पेरीमीटर निकल के, तो ये इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। अब इस 2D फिगर से कौन सी 3D फिगर बन सकती है? भाई एक स्क्वायर से एक क्यूब बनता है, एक घन बनता है। अब घन के भी तीन फॉर्मूले होंगे, ठीक है, 3D फिगर है, तीन फॉर्मूले होंगे। एक इसका भी कट सरफेस एरिया होगा, मतलब वक्र पृष्ठ का होगा। एक इसका TSA होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। एक इसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये। अब CSA क्या होता है? चार दीवारों का एरिया। अब अगर मैं एक स्क्वायर को सामने से देखूंगा तो उसमें एक क्यूब को, अगर मैं क्यूब को सामने से देखूंगा तो मुझे एक स्क्वायर ही तो नजर आएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। अगर मुझे इसकी चार दीवारों का निकालना होगा तो चार ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, चार दीवारों का निकालना है, चार ए स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है भाई? छह की छह दीवारें ले लो तो क्या हो जाएगा? सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है फॉर्मूले। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम भी एलवी? हाँ जी, एलवी से ही निकलेगा। क्या होता है वॉल्यूम भाई? इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लेकिन क्यूब की तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है, मतलब सब कुछ बराबर ही है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखूं, सब कुछ ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? हमारा ए का क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि साइड का क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अगर जो भी साइड दे रखी है उसका क्यूब कर देना, ए क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपने दो और तीन पांच फॉर्मूले और बना लिए इस एल और बी को ही माइंड में रखते हुए। आप मुझे उम्मीद है पूरी पूरी आपको मजा आ रहा होगा। 10 फॉर्मूले सिर्फ एल और बी से आपने याद कर लिए हैं। आइए अब कहानी का दूसरा मोड़ हमारी तरफ आ चुका है। अब हम बात करेंगे इस पाई और आर की। पाई आर याद रखो बस, पाई आर। अब देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। पाई आर किससे रिलेटेड है? पाई आर एक सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक सर्कल एक वृत्त से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर मैं इसी पाई आर में 2 जोड़ दूंगा, मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जोड़ने से मतलब है एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, मतलब साथ में लिख दूंगा। अगर मैं पाई आर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 2πr, जो कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस का उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मुझे सर्कल की इसकी पूरी बाउंड्री निकालनी होगी तो मैं 2 लगा के 2πr बना दूंगा, ठीक। अगर मुझे इसी सर्कल का एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, मैं इसी पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बस पाई आर ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये सर्कल एक 2D फिगर थी, इसके दो फॉर्मूले, ये हमें याद होगा सिर्फ पाई आर से। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है भाई? अगर मैं इसी सर्कल के अंदर एक हाइट भी दे दूँ, उसको एक हाइट भी दे दूँ, तो वो एक सिलेंडर का फॉर्म, सिलेंडर फॉर्म कर लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिब्बा एक सिलेंडर का एग्जाम्पल लेके आया हूँ। भाई सामने से देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं उसी सर्कल के अंदर हाइट भी दे दूंगा तो ये एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। ये आपका सिलेंडर हो गया। अब ये 3D फिगर है, तीन फॉर्मूले बनेंगे भाई। वही कट सरफेस एरिया बनेगा, मतलब इसकी इस वाली वक्र पृष्ठ जो घूमू ही है। अगर मुझे सिर्फ इस वाली इसका सरफेस निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखिए बहुत आसान है। हमने यहां पर क्या किया था? हमने इसके सर्कमफेरेंस के अंदर, मतलब इसके पेरीमीटर के अंदर हाइट की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो इसका आ गया था CSA। यही ट्रिक यहां लगानी है आपको। आपको क्या करना है? ये जो 2πr इसका सर्कमफेरेंस, इसकी बाउंड्री आई थी, इसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाए। लाइक कर देना वीडियो को, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2πrh, पाई आर से ही बना है। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल में ऊपर का सिलेंडर भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, इसका पैंदा भी जुड़ जाएगा। अब देखिए, हमने यहां पर 2πrh की चार दिवाली का तो निकाल लिया। एक सर्कल का ऊपर जुड़ेगा, एक सर्कल का नीचे जुड़ेगा। भाई सर्कल का एरिया हमने सीख लिया पाई आर स्क्वायर होता है। एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर होगा? 2πr2। तो अगर मैं कट सरफेस एरिया के अंदर 2πr2 जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्या क्या कॉमन है देखिए, 2πr यहां पर भी है, 2πr यहां पर भी है। तो अगर मैं 2πr को बाहर निकाल लूं क्या क्या बचेगा? ये 2πr बाहर आ गया, इधर तो रह गया सिर्फ h, प्लस का प्लस, 2πr का स्क्वायर, 2r थे ना, 1r बाहर आ गई, तो 1r अंदर बची, तो ये 1r अंदर आ गई। तो ये इस तरीके से आपका हो गया है इसका टोटल सरफेस एरिया भाई। टोटल ऊपर नीचे का भी और चार दिवाली का भी, ये इसका बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम के। भाई इसके अंदर कितना सामान आएगा ये बताओ मुझे तुम। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो उसका क्या फॉर्मूला है? बहुत ध्यान दीजिए, जो ट्रिक मैंने यहां लगाई थी वही ट्रिक आपको यहां लगानी है। यहां मैंने ट्रिक क्या लगाई थी कि भाई रेक्टेंगल के
एरिए में हाइट की गुणा कर दो। यही चीज यहाँ करो, सर्कल के एरिए में हाइट की गुणा कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ओए होए, ये तो किसी ने नहीं बताया, ये कौन सी ट्रिक लेकर आए हो सर आप? भाई ऐसी ट्रिक मैं आपको देता रहता हूँ और आज भी लेकर आयो आपके लिए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, सर्कल के दो सीखे और सिलेंडर के भी तीन आपके यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको कोन का बताऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, दवाई खा के आया हूँ पागल होने की और आपको पढ़ाने की, मैं पढ़ाता रहूंगा, बस बने रहो मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, शंकु कोन की हम बात करेंगे। कोन क्या है, देखिए कौन क्या है, अगर मैं एक सर्कल के अंदर ऊपर ऐसे एक त्रिकोणी उसको तिरछी हाइट दे देता हूँ तो एक कौन बन जाएगा। एक सर्कल को अगर एक त्रिकोणी ऊंचाई दे दे एक कौन बन जाएगा। अब देखिए कौन में क्या होगा, वही तीन चीज़ें होंगी, थ्री डी फिगर है, तीन चीज़ें होंगी। कर्व सरफेस एरिया मतलब उसके ऊपर ऊपर का चना, खाया कभी आपने तो जो पार्ट आप पकड़ते हैं ना उस कागज़ का चने वाला जो खाते आप, वो वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान दीजिए। अब पाई आर याद रखो बस, मैंने क्या बोला है, पाई आर याद रखो बस। अब पाई आर में क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइट दी है और टेढ़ी वाली हाइट दी है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, सिलेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। आप क्या करना, बस उसकी मल्टीप्लाई कर देना चुपचाप से। पाई आर एल आपका हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऐसे आपके बनेंगे। अब बात करता हूं टोटल सरफेस में, तो टोटल में क्या होगा, आपका ये जो सर्कल नीचे बना है ना इसका एरिया भी जुड़ जाएगा। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया भी जोड़ देता हूँ तो बन जाएगा आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन लिया, ये मैंने बाहर लिख दिया, खाली एल बचा, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, पाई आर बाहर आ गया, दो आर थी एक आर रह गई, ये मैंने यहाँ पर आर लिख दी। अब इसको हटा देता हूँ भाई, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ पाई आर याद रखो, पाई आर में अगर आप L प्लस R कर दोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम का तो बहुत आसान है दोस्तों, वॉल्यूम मतलब इस कोन के अंदर कितना चना आ जाएगा, कितना इसके अंदर हवा आ जाएगी, कितनी इसकी कैपेसिटी है, तो भाई बहुत आसान है। आपने पाई आर स्क्वायर कराया ना इसका सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का एक तिहाई होता है कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है आपका इसका हो गया। सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखनी है, एल और बी से इतने सारे फॉर्मूले याद करवा दिए आपको और पाई और आर से इतने सारे इधर याद करवा दिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत वसूल है और अभी नहीं रुकूंगा मैं, सोचने लगा अभी नहीं रुकूंगा मैं, अभी आपको तो स्फीयर के भी बताने मुझे, तो बने रहो मेरे साथ। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए पानी पीकर। अब हम बात करेंगे स्फीयर की, गोला कैसा होता है जी, ऐसा होता है आप छूकर महसूस कर सकते हो। अब बात करेंगे इसकी सीएसए की, टीएसए की, और बहुत कमाल की बात है इसका टीएसए सीएसए सेम होता है भाई। देखिए जो हम इसका घुमा के देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो हम घुमा के कर्व देख सके वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या होता है वो होता है आपका 4πr², आपको ध्यान रखना है पाई आर। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कितनी हवा इसके अंदर है, कितने ये मटेरियल से बनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, तो 4 तो रहेगा। अब क्या करेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब कर देंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। अब यहां पर 4/3 हो जाएगा ये 4/3। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, इसको बीच में से आधा कर दिया, इस तरह से दिखेगा या कुछ, तो जब इसका हमने आधा किया है तो इसका कट सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। अब अगर इसके टोटल की बात करूंगा हेमिस्फीयर की, साइड से देखने में ये ऐसा दिखेगा, सामने से देखने में ये ऐसा दिखेगा, मतलब ऊपर एक सर्कल नजर आएगा इस जगह पर यहां पर, तो हम क्या करेंगे इस एक सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर ये और जोड़ देंगे, तो 2πr² 1πr² हो गया आपका 3πr² और इसका आधा यहां कर दो 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3πr³ ये इसका बनेगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले एक हेडिंग है आपकी बुक में जिसमें लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, के कुछ सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन की अगर बात है तो यहां पर हम सॉलिड को रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से सॉलिड होते हैं, तो आपको बता देता हूं फटाफट कि आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, बेसिकली आपकी सॉलिड्स हैं, इनको कंबाइन करके कुछ ना कुछ फिगर्स बनाई जाएंगी। कभी कोई खिलौना बनाया जा सकता है जैसे कि नीचे हेमिस्फीयर हुआ ऊपर उसके कोन लगा दिया, कभी कोई आइसक्रीम का कोन बनाया जा सकता है, कभी किसी चौकोर बिल्डिंग के ऊपर गुंबद रख दी जा सकती है हेमिस्फीयर की, कभी कोई कैप्सूल बना दिया जा सकता है, कभी कोई ट्रक का कैरियर, कोई टेस्ट ट्यूब, मतलब कुछ भी इन सॉलिड शेप से कुछ भी कंबाइन करके कोई फिगर बना देंगे, कोई शेप बना देंगे, उसका हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आइए तो पहला ही सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं फटाफट, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर जॉइंट एंड टू एंड, कि दो घन हैं उनका वॉल्यूम आयतन हमें दे रखा है 64 cm³, उनको आपस में जोड़ दिया गया। तो आइए समझते हैं, पहले देखिए ये आ गए आपके दो क्यूब, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम है 64 cm³, तो इनको मैं जोड़ देता हूँ, तो ये मैंने इनको
आपस में जोड़ दिया, एंड टू एंड इनको जोड़ दिया। तो जब ये जुड़े तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, एक घनाभ बन गया। आप देख सकते हैं ईड जैसी शक्ल बन गई, सॉलिड बन गया आपका। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कि अब जो ये घनाभ बना है इसका सरफेस एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या होता है सरफेस एरिया, इसके सारे सरफेस को ध्यान से देखेंगे और हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए अब ये आपको फिगर समझ में आ चुकी है। जब ये क्यूब थे तो इनका दोनों का वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ से हम निकालेंगे इसकी साइड, तो साइड निकालने के लिए हमें क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ए क्यूब। ठीक है, इसीलिए वो वीडियो आपको मैंने पहले बताई है, दिखाई है, ए क्यूब होता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, बेसिकली मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्यूब हमारा ये था, अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं, और इसमें हमने दूसरा क्यूब इस तरह से जोड़ दिया था। ठीक है, तो क्यूब थोड़ा सा चौकोर होता है, बिल्कुल आपको पता ही है। ये आपका दूसरा क्यूब आ गया, तो इस तरीके से क्यूबॉइड हमारा बना था अगर हम सामने से देखें तो। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब का वो था वॉल्यूम, वो था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ से साइड निकालनी है, तो साइड क्या होती है, देखिए अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी 64। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वो होता है आपका साइड का क्यूब, या जिसको हम ए का क्यूब लिख देते हैं, तो वो हमारा 64 है। तो यहाँ से जब हम ए निकालना चाहेंगे तो 64 के ऊपर ये रूट लग जाएगा, यहां पर क्यूब रूट, तो यहां से ये निकल के आएगा आपका 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए साइड जो है वो 4 है इस छोटे वाले क्यूब की, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, पीछे भी 4 है, सब जगह सब कुछ 4 4 है भाई। ठीक है, इस तरह से। तो जब इसका सब 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि दोनों को जो वॉल्यूम है वो तो सेम था, है ना जी। अब यहाँ पर जो क्यूबॉइड बना है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अब हम निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगी। तो मैं देखूँ यहाँ पर लंबाई क्या बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बन जाएगी, मतलब 4+4 बन जाएगी। चारों चार कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, तो 8 तो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी हमारे की नए वाले क्यूबॉइड की 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो भाई वही रहेगी, 4 ही रहेगी, क्यों, क्योंकि इस तरीके से बनाया बना पीछे, ये इस तरीके से कुछ होगा पीछे, ये क्यूबॉइड अगर मैं देखूं यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ होगा ये पीछे को। ठीक है, सफाई से बनाएंगे थोड़ा सा, ऐसे ही बना हुआ होगा। तो ये तो 4 होगा पीछे से, ये भी 4 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई तो आपकी 4 ही होगी और आपकी जो हाइट है ऊंचाई है वो भी 4 ही है, ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई, हमने तो बराबर में जोड़ा है ना, तो लंबाई बढ़ेगी सिर्फ। तो यहाँ पर इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर रही। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं, ये सारी चीज़ें हैं नए वाले क्यूबॉइड की। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला भाई लोगों, फार्मूला ही है सब कुछ है। इसके बना 10 नंबर में से एक नंबर भी नहीं ले सकते आप इस चैप्टर के, तो इसलिए फॉर्मूला इसका ही पता होना ज़रूरी। तो फॉर्मूला इसका है आपका 2(lb+bh+hl). ठीक है, सारे सरफेस को हम टच करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रख देंगे। l इंटू बी करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ l इंटू बी करना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 32 लिख दिया मैंने, प्लस का प्लस लगाया, b इंटू h, दोनों 4 4 ने 4 चौक 16, 16 हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख दिया मैंने, प्लस h इंटू l, h और l, 8 चौक 32, ये दोबारा से 32 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने, 2 यहाँ पर रहेगा, 32 64 होते हैं, 64 में मैं 16 वाले प्लस करूंगा तो 80 बन जाएगा, 80 लिख दूंगा यहाँ पर। अब 80 की बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, मत लिख देना, क्यों, क्योंकि क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है और हम निकालना है सरफेस एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है आपकी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर लगाया मैंने इसलिए, तो ये इसका आंसर आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको कर देना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी सवाल था, एक पहला ही था। आगे आगे देखो होता है कि आइए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, समझना है दोबारा से इसको देख लीजिए, फटाफट इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है। यहाँ पर सवाल है कि अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्या कह दिया हमसे, हमसे कहा गया है कि एक कोई बर्तन है वो किस तरीके से है, वो नीचे से तो होलो हेमिस्फीयर है, खोखला अर्ध गोले की तरह है नीचे से। ठीक है, ये आपके लिए आ गया, और इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, वो भी होलो है, खोखला है, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बना है, इस तरीके का एक कोई बर्तन है हमारे पास, उसकी हमें कुछ मेजरमेंट दी गई है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो उसका
डायमीटर है पूरा वो आपका 14 सेंटीमीटर का है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर और उस बर्तन की पूरी ऊंचाई मतलब बिल्कुल पैंदे से लेकर सर तक की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर की है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, उस बर्तन का अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल इनर सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं, पहले समझते हैं क्या फिगर है, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आइए देखिए फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से कि आपका नीचे एक बर्तन बनेगा हेमिस्फेयर, उसके ऊपर बना दिया जाएगा इस तरीके का, आपका एक बर्तन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर, इसका डायमीटर 14 है तो हमें तो रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस इसकी आधी होती है, हाफ होती है, तो 14 का हाफ हो जाएगा 7। तो यहां से लेकर यहां तक का ये पार्ट आपका कितना है, ये आपका है 7 सेंटीमीटर का। आगे हमसे कहा गया था हाइट ऑफ द वेसल पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पूरा बर्तन कितने का है आपका 13 सेंटीमीटर का। अब सिलेंडर और इसकी हेमिस्फीयर की अलग अलग आधी आधी कर लो तो कैसे होगी, देखिए हेमिस्फेयर की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब गोला जो है वो चारों तरफ से मतलब पूरा गोल ही होगा जाहिर सी बात है, तो हर जगह से वो कितना कितना होगा 7-7 सेंटीमीटर तक गोल होगा, फासले से गोल होगा। तो जब इसकी रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 7 होगी, इधर भी 7 होगी, ऐसे नीचे भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का हेमिस्फेयर की जो हाइट कह सकते हैं हम रेडियस, वो तो हो गई 7 सेंटीमीटर। अब 13 में से 7 इसकी हटा दो, कितनी बची, 6 बची, वो 6 इसकी है, वो 6 आपकी आएगी इसकी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर अब सब कुछ अलग अलग हमने टुकड़े कर डाले हैं। आइए दोस्तों फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया अंदर वाला सरफेस एरिया, तो अंदर क्या क्या है, ऊपर तो एक सिलेंडर बन रहा है, तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लगेगा आपका 2πRh। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है पहले सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, उस बर्तन का सरफेस एरिया किस किस तरीके से निकलेगा, हमसे ये निकलेगा, हम निकालेंगे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक काम करना यार, ये लिखने वाले काम ना, ये लिखने वाले काम आप करना। ठीक है, मैं आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRh, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2πRh, ये निकल जाएगा सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया। हमें निकालना है हेमिस्फेयर का भी, हेमिस्फेयर का होता है 2πr2। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसके जो ऊपर का जो वो होगा सरफेस एरिया, जो ऊपर का एरिया होगा सरफेस होगा, वो काउंट नहीं हो रहा इसके हेमिस्फेयर में, सिर्फ नीचे की जो गोलाइयाँ हैं वो काउंट हो रही है। तो 2πr2, तो 2πr2 इसकी आ चुकी है, ये सिलेंडर आएगा, ये हेमिस्फीयर आएगा, इस तरीके से पूरा अंदर का जो है सब कुछ एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी, आइए फटाफट वैल्यूज रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट इसी के अंदर वैल्यूज रख सकते हो, दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें जो जो चीज़ें कॉमन दिख रही हैं ना उनको आप अलग कर लो, तो सवाल और आसान हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन में और कम टाइम लगेगा, टाइम बचेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए का क्या करूँगा मैं, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो ये 2πr में बाहर निकाल लूँगा अलग से। तो मैंने क्या करा, 2π और r को निकाल लिया बाहर, अब अंदर क्या क्या बचा, 2πr बाहर आ गया, यहाँ रह गया सिर्फ h, प्लस का प्लस 2πr, ये बाहर आ गया, 2r थे यहाँ पर, r का स्क्वायर, एक r बाहर आ चुकी, एक r बची है। ठीक है, एक r बची है, तो ये आ गया अब छोटा फॉर्मूला हमारा, एडवांस फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो 2 22/7, रेडियस है 7, ब्रैकेट में हाइट किसकी, किसकी हाइट, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपसे, हाइट किसकी होगी, ये फॉर्मूला है 2πRh सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर की हाइट जुड़ेगी यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप हेमिस्फेयर की जो हाइट है 7 वो लिख दो, सवाल वहीं गलत हो जाएगा। तो गलतियां भी मैं आपके पकड़वाता रहता हूँ बीच बीच में, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब रेडियस हमारी किसकी है, ये वाली सी की, तो यहाँ पर 7 हमारी रहेगी, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 होते हैं, मल्टीप्लाई में आपका 7 और 6 13 होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 13 चौक 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 चौक 52 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 57 हो जाएंगे, तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
572 इसका आंसर आ चुका है। तो देखा आपने फॉर्मूलों का एक हेले सारा, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, मैंने आपको बता दिया शुरू में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले याद है तो आपकी जय जयकार है, अदरवाइज फिर पता नहीं, जो भी आप समझ लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो कि है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अलग है ये, देखिए यहां पर सवाल क्या है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब बनाते हैं। तो मैंने यहां पर एक क्यूब बनाया, क्यूब आपको बहुत अच्छे से पता है भाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो भी होता है उसमें सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। ये एक क्यूब है, अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, सिर्फ इसका सामने वाला जो फेस है वो मुझे दिखाई पड़ेगा। ये इसकी मैंने दो व्यू बना दिए, एक थोड़ा सा तीनों एंगल लेते हुए, तीन साइड का और एक मैंने बिल्कुल फ्रंट से अगर हम इसको देखेंगे तो। अब क्या हो रहा है, इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर भी बना हुआ है इसके ऊपर, जुड़ा हुआ है इससे। तो हेमिस्फीयर देखिए, अगर मैं बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, एक अर्धगोला बन जाएगा। ये आ गया अर्धगोला, ठीक है जी, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ बनाने चलेंगे तो यहाँ से भाई यही तो साइड जुड़ेंगी इसकी, मतलब यहाँ से लेकर इस तरीके से कुछ यहाँ पे हेमिस्फीयर बनेगा, जो कि यहाँ पीछे भी यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा। इस तरीके से कुछ एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर बनेगा। लेकिन दोस्तों आगे बताता हूँ, देखिए चलिए आगे क्या होगा, फाइंड द, अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, उस हेमिस्फीयर का, उस अर्धगोले का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है, व्यास कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए साइड सी बात है, जब इसकी स्क्वायर की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 होगी, ये भी 7, ये भी 7, ये भी, तो डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का डायमीटर मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है जी। एक सवाल का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है, ये हमको पता करना है। अब देखिए क्या होता है, अब ये होगा कुछ इस तरीके से, तो क्या क्या चीजें यहां पर होंगी। तो यहां पर हमें एक तो इस क्यूब की जो भी साइड्स होंगी, कितनी साइड जोड़े इसके हम, 6 की 6 जोड़े, 6 की 6 तो नहीं जुड़ेंगी। क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि एक साइड के ऊपर तो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, एक साइड के ऊपर तो मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों ये हेमिस्फीयर बना हुआ है ना इस तरीके से यहाँ पर, तो एक साइड तो इसकी नहीं जुड़ेगी, 5 साइड जुड़ेंगी इसकी, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर का एरिया जो कि 2πr² है, हमें पता है वो जुड़ जाएगा। लेकिन एक इसमें अलग बात है जो कि बहुत ही कम बच्चे समझ पाएंगे, उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे, और वो गलती आपसे हो ही सकती है अगर ये एग्जाम में आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर किस तरीके से समझाऊँ आपको, देखिए इसको ना मैं अभी, मैं इसको आपको इस पर बना के मुश्किल से समझा पाऊंगा, मैं आपको थोड़े से इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ उसके जरिए समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने आ गया क्यूब, क्यूब आ गया। अब इस क्यूब को अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से अगर हम व्यू ऐसे नीचे देखें तो किस तरह का दिखेगा, तो फिर ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर के डायमीटर रखते हुए अगर हम एक स्फीयर हेमिस्फीयर जो है इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर डल गया, तो यहां पर आप देखेंगे साइडों में कुछ जगह जो है वो बाकी रह जाएगी। समझ में आ रही है बात आपके, साइडों में कुछ जगह बाकी रह जाएगी, ये भी तो हमें दिख रही है, ये भी तो सरफेस है, इसका भी तो फिर एरिया निकलेगा ना, तो ये एरिया कैसे निकालना है, यही इसमें सबसे कमाल की बात है, जो कि हर बच्चा नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें बड़ी ही सोचने की चीज़ है, क्या चीज़ है कि भाई ऊपर जब ये हेमिस्फीयर बना है तो हेमिस्फीयर जो बना होगा बीच में यहाँ पर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हुआ होगा, तो जब ये सर्कल ड्रॉ हुआ होगा उसके रखने पर, तो ये जो साइडों में किनारे रह गए यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये जहाँ पर ज़रा सा हुआ, ये वाला हुआ, तो ये भी तो हमें दिखा होगा ना, तो इसका भी तो फिर एरिया निकलेगा मेरे दोस्तों, तो इसका एरिया भी हम काउंट करेंगे, तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, अब वो देखेंगे ध्यान से। देखिए तो हम करेंगे ये कि हम 6 की 6 दीवारें, मतलब इसकी क्यूब की 6 की 6 दीवारें लेंगे, तो एक दीवार का स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 6 तो 6a² हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे हम, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, लिखने का काम हमेशा आपका होता है, ये काम मेरा नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, 6a², ये आपका यहाँ से पूरे स्क्वायर का निकल के आएगा,
ठीक है जी। लेकिन उसमें से एक दीवार में से एक साइड में से हमें ये एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो हम एक कोई सी भी एक के अंदर से पाई आर स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, तो अब जाकर पांच दीवारें आएंगे, इसकी पैंदा और चार दीवारें और ऊपर का सिर्फ ये किनारा किनारा हमें मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बाद में जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका एरिया जोड़ देना है, बस हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा। कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यूज रख दो, इसको सॉल्व कर लो। कौन सा पेन लूँ, 6 6 a स्क्वायर, ए क्या है भाई, साइड है, साइड कितने 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस पाई कितना है 22/7 है, ये लो जी। चलो और आसान कर देते हैं काम, और आसान इस तरीके से कर देते हैं, ये लो जी देखिए, ये कितने पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर है, ये कितने पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो जब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितने पाई आर स्क्वायर बचेंगे, सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको भी माइनस प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि प्लस का पाई आर स्क्वायर, बस इतना सा रहने देंगे, ठीक है, और छोटा हो गया सवाल। तो बस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, तो प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर बचा, वो यहाँ पर रह गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 हासिल लगा 5, 6 24 और 5 आपके 29 294, और पाई आर कितना है हमारा, आर है 7, अच्छा आर 7 थोड़ी होगी, डायमीटर 7 है, तो आर तो इसकी आधी होगी, तो यहाँ पर हम 7 का भी फिर हाफ करेंगे 3.5, तो 3.5 × 3.5 ये हम यहाँ पर कर लेंगे, इसको हम काटना चाहे काट देंगे, इससे कट जाएगा ये 0.5। आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमारा 294 आ ही चुका है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारा इसकी इसकी आपस में कर दो, तो 5 5 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 3 15 2 17 ये आपका हो जाएगा 1.75, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 294 और मैं आप इसको जोड़ देंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल एसेड ये करना है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो भी इसकी मल्टीप्लाई आएगी इसको इसमें जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन जो मैंने सवाल लिया था वो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया था, ये वाला, कि हमें फिगर को विजुअलाइज करना आना चाहिए। अगर हमने विजुअलाइज कर लिया, चैप्टर का नाम ही आपको याद होगा 6th 7th में यही होता था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जब से सिखाया जा रहा है आपको ये कि शेप्स को, सॉलिड को कैसे विजुअलाइज करना है, ऊपर से कैसी दिखेगी, सामने से कैसी दिखेगी, साइड से कैसी दिखेगी, अगर ये चीज़ें आपने सीख ली ना, इमेजिनेशन आपने सीख ली, तो इमेजिनेशन जो है ये नॉलेज से भी बढ़कर होती है, आइंस्टाइन जी ने कहा था, आपको पता होगा, तो इसलिए सवाल मैंने लिया है। आंसर कमेंट करके बताना, गलत मत करना, सही आंसर करना, बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा आपके लिए, सवाल आपके लिए हो चुका है। आइए कुछ और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल इस एक्सरसाइज के हम देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको करवाया है, उसमें क्या था, उसमें क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर बना था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें अंदर बना है, मतलब डिप्रेशन लिखा हुआ है वर्ड इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे वहां पर तो अंदर बना है, तो सेम वही चीज करनी है हमें, 6 दीवारों में से एक सर्कल काम करना है और उसके बाद एक हेमिस्फीयर का एरिया हमको उसमें जोड़ना है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज हुई है, वो आप करके दिखाएंगे मुझे कमेंट में, उसका आंसर देंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर यहां पर 6, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या लिखा है, आइए इसको समझते हैं। सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड, कि एक हमारे पास कैप्सूल है, जो दवाइयों का कैप्सूल आप खाते हैं उस टाइप का, यहां पर इमेज भी इसकी फिगर बनी हुई है, किस तरीके से है वो, इस तरीके से कि बीच में तो आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है और उसके दोनों कोने पर एक एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहां पर हम अगर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ, देखिए इधर एक हेमिस्फीयर ये आ गया और इधर एक हेमिस्फीयर ये आ गया और बीच में हमारा एक सिलेंडर बन चुका है, एक बेलन बन चुका है, ऐसा एक कैप्सूल होता है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, 14 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की लंबाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी 14 है, इसके अंदर हेमिस्फीयर की रेडियस भी जुड़ी हुई है दोनों और सिलेंडर की भी लंबाई जुड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm और कैप्सूल का डायमीटर 5 mm का है, ये है पॉइंट इसके अंदर। अब डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये पूरा है आपका 5 mm 5 मिलीमीटर का है, ये हमको कहा गया है। अगर मैं इसी के आधे की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का इसका आधा होगा, तो ये आधा आपका होगा 2.5 mm, ठीक है जी, ये रेडियस बन जाएगी हेमिस्फीयर की। अच्छा रेडियस तो चारों तरफ बराबर होती है, ये तो हमने पढ़ रखा है अच्छे से, हमें पता है, सर्कल वाले चैप्टर पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2.5 mm होगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी रेडियस यहाँ होगी बीचों बीच में और यहाँ से ये भी इसकी रेडियस काउंट होगी हेमिस्फीयर की, तो ये भी 2.5 mm होगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं इससे हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर कितना लंबा या कितना ऊँचा है वो पता लगेगा,
क्यों? क्योंकि पूरा कैप्सूल तो हमारा 14 mm हमसे कहा गया है, लेकिन हमें सिलेंडर का भी हमें यहाँ पे वो चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी, आइए भी बताता हूँ। देखिए अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्या क्या सरफेस हमें दिख रहा है वो निकालो। तो आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या निकलेगा, पहले ये आप इमेजिन करिए, ये आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए ना मेरे साथ। देखिए हमें बीच में सिलेंडर नजर आ रहा है, मतलब सिलेंडर का जो चारों तरफ का घुमाव वाला एरिया होगा ये निकलेगा, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है आपका 2πRh, ठीक है। तो एक तो आपका ये निकलेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2πRh, ठीक है, 2πRh एक तो हमारा ये निकलेगा। इससे क्या होगा, इससे जो सिलेंडर वाला एरिया है ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ पर हमें एक इधर हेमिस्फेयर है, एक इधर हेमिस्फेयर है, दो है हमारे पास हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πR² होता है। तो दो है ना, तो एक बार 2πR² और एक बार और 2πR². इस तरीके से जब हम ये सब निकाल लेंगे तो इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया। इससे एक से इधर वाले हेमिस्फेयर का आ गया, दूसरे से उधर वाले हेमिस्फीयर का आ गया, और इस वाले से सिलेंडर का आ गया, पूरे का सरफेस एरिया आ गया, ठीक है जी। आइए अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं। देखिए यहां पर 2πR इसमें भी है, 2πR इसमें भी है, 2πR इसमें भी, 2πR तीनों में दिख रहा है। क्या करूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, फार्मूला छोटा कर लूंगा, अपना कैलकुलेशन भी कम पड़ जाएगी, टाइम भी मेरा कम बचेगा, कम लगेगा इसके अंदर। आइए तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 2πR लिया, कॉमन बाहर निकाला। अब क्या-क्या रह गया, इसमें से 2πR बाहर आया, सिर्फ और सिर्फ एच बचेगा, तो यहां पर मैंने एच लिख दिया, ये प्लस का प्लस आ गया। यहां पर जब 2πR बाहर निकाला तो क्या बचा, आर का स्क्वायर है, मतलब दो आर हैं, एक आर बाहर आ गई, 2π भी बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ एक आर बची, एक रेडियस बची, एक त्रिज्या बची है, तो ये आ गई इसकी, ये प्लस यहां आया। और सेम यहां से भी एक आर बाहर आ चुकी है, मतलब एक आर बचेगी जब 2πR बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर यहां पर दो है, इस वजह से एक आर यहां रह गई। तो ये हमारा फॉर्मूला छोटा हो चुका है। अच्छा आर और आर क्या होता है, आर और आर तो आपका 2R होता है, इनको आप प्लस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, इसको आप छोटा करना चाहो कर लेना। देखिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए 2 का मैंने 2 लिखा, पाई की वैल्यू बहुत अच्छे से बताया आपको, 22/7 होती है। रेडियस किसकी रेडियस है, ये रेडियस है आपकी 2πRh, मतलब सिलेंडर की, तो सिलेंडर की भी रेडियस यही रहेगी जो इसकी है, 2.5 रहेगी। मतलब अगर मैं सिर्फ सिलेंडर देखूं यहाँ पे तो इसकी रेडियस भी तो यही होगी 2.5, तो यहाँ पर रेडियस हमारी आ जाएगी 2.5, ये आ चुकी है जी, ब्रैकेट लगाया आप एच। ये हाइट किसकी है, ये हाइट मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर की है। देखिए 2πRh चल रहा है, सिलेंडर का CS है, तो सिलेंडर की हाइट इसलिए हमें पता होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी, टोटल है आपकी 14, अब यहां से इतनी माइनस कर दो, ये इस वाले हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5, इतनी माइनस कर दो इधर से इस वाले हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5, तो 2.5 मतलब ढाई और ढाई कितने होते हैं आपके, ढाई और ढाई पांच होते हैं, ठीक है, 2.5 + 2.5 = 5। तो हम पूरे 14 में से 14 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके, 9 बचेगा, 9 हमारा लेस होकर आएगा। तो 9 mm जो है वो सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर हम 9 लिखेंगे, और आर और आर रेडियस हमारे 2.5 है, तो ढाई और ढाई कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी, एक साथ में 5 लिख देता हूं, ठीक है। आप स्टेप बढ़ाने के लिए अलग अलग करके लिख सकते हो, फिर अगले स्टेप में इसको 5 लिख सकते हो। ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है जी। आगे बढ़े, 2 × 22/7, 2.5 मल्टीप्लाई में 9 × 5 = 14 होते हैं, 14 7 से कट जाएगा दो बार, 2.5 × 5 होते हैं, 5 × 2 = 10 होते हैं, और 22 × 2 = 220 होते हैं। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है जी। सारी कैलकुलेशन करी हमने, 220 आपका आ चुका है। कौन सी यूनिट चल रही है, mm चल रही है, तो हम लिख देंगे स्क्वायर मिलीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो इतना इसका सरफेस एरिया निकल के आया है। तो जो भी लिखने की बातें हैं, ठीक है, आप सब लिखेंगे कि एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह से आप लिख के सारा करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं ना आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैंने 6 लिया है, ये आप ट्राई करेंगे। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज के देखने वाले हैं, जुड़े रहे मेरे साथ। आइए अब एक ऐसे टाइप क्वेश्चन देखते हैं, मतलब काफी लंबा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर मैं करवा रहा हूं। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपका टाइम खाएंगे, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, कोई सर्कस का जादू दिखाने का टेंट आपने देखा होगा, किस तरीके से है, नीचे से तो सिलेंड्रिकल है, गोल है,
उसके ऊपर ऐसे करके एक कॉनिकल टॉप उसकी है, कैसे है मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर। वैसे एक इमेज आ रही है आपके सामने, आप इसमें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप का कोई टेंट है। अब इसके मैं करफली फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए तो कैसे है, नीचे तो आपका एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये हो गया जी। उसके ऊपर ऐसे करके एक कॉनिकल टॉप बना हुआ है, कौन बना हुआ है, शंकु बना हुआ है, ये आपका टेंट बन चुका है। ठीक है जी, ये आपका टेंट आ गया, रफली इमेज यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या होगा आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हमें क्या क्या दे रखी है, हाइट और डायमीटर दे रखा है, जैसे कि हाइट पहले है तो पहले वाली हाइट होगी, तो 2.1 इसकी हाइट हो गई सिलेंड्रिकल वाला जो पार्ट है अपन का हमारा, और 4 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल का डायमीटर हो जाएगा। 4 मीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक ये होगा आपका पूरा डायमीटर होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हम तो रेडियस ही डायरेक्ट लिखेंगे, तो रेडियस हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी, आधी, क्योंकि पूरा डायमीटर यहां से यहां तक का जो है वो 4 है, तो हमें आधा चाहिए, तो आधा हमारा यहां से यहां तक का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कहा गया हमें एंड सिलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो सिलेंट हाइट है मतलब टेढ़ी वाली तिरछी ऊंचाई जो है वो टेंट की, वो है 2.8 मीटर, मतलब ये वाली यहाँ से जो तिरछी ऊंचाई जा रही है ये है आपकी 2.8 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, सिलेंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई जो है हमारी वो है। अब हमें क्या क्या बताना है वो देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा वो हमें बताना है। कपड़ा लगेगा ये कैसे बताएंगे भाई, देखो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, जो जो सरफेस हमें दिखेगा वहीं वहीं तो कपड़ा लगेगा ना टेंट में, तो इसका मतलब हमें बेसिकली सरफेस एरिया ही निकालना है इसका। ठीक है, उसी को दूसरी भाषा में इन्होंने कह दिया कि कपड़ा बताओ भाई कितना लगेगा। और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और हमें ये भी बताओ कि उस कपड़े को खरीदने में हमारे कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 500 रुपये का, मतलब 500 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें मिलता है, तो पूरे टेंट में कितने रुपये लग जाएंगे टेंट का कपड़ा खरीदने में, ये हमें बताना है। एक नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, और जो बेस है उसका जो आधार है टेंट का वो पर्दे का नहीं है। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है, अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ऐसी बातें नहीं होगा भाई, टेंट बना हुआ है तो नीचे थोड़ी पर्दा बिछाएंगे हम तो बल्लियां गाड़ेंगे, चारों तरफ पर्दा ऐसे लगाएंगे फिर ऊपर से कोन बना देंगे, बस हो जाएगा काम, तो नीचे नहीं है, नीचे का काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे लिए और आसानी इन्होंने कर दी है, सब कुछ क्लियर हो गया। फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट लगा देता हूं। तो क्या क्या चीज़ें निकालनी है, फॉर्मूला लगेगा। देखिए, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया जो हमें दीवारें दिख रही हैं कर्व्ड, ठीक है, सी एस ए ओपा सिलेंडर क्या होता है, बार बार वो आ जा रहा है 2πRH होता है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2πRH। ठीक है जी, लिखने का काम आपका है, सारे स्टेटमेंट आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस कोन बन रहा है ऊपर, कोन का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई आर एल। कुछ कॉमन है तो छोटा कर लो, कॉमन ले लो, यहाँ पर पाई आर दोनों में दिख रहा है, इसको मैं छोटा कर लूँगा तो पाई आर बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2 और एच, और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ एल। ठीक है जी, ये आपका छोटा हो चुका है। अब आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, फटाफट आंसर लेकर आ जाएंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 2, 2h हाइट का दुगना, हाइट कितनी है 2.1 है सिलेंडर की, 21 दूनी कितने होते हैं 42 होते हैं, तो 4.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.2 प्लस L, सेलेंट हाइट टेढ़ी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई 2.8 है, ये हमने यहाँ पर 2.8 रख दिया। अब तो सिर्फ रखनी है वैल्यूज, कुछ नहीं काम करना, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्लस में है तो प्लस कर लेंगे, तो 4 और 2 6 और ये 8 और 0.8 और 0.2 जाएगा 1, तो 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितने होते हैं आपके 44 होते हैं, तो 44 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ चुका है। इतने मीटर, इतना स्क्वायर, ये जो एरिया है ये आपका आ गया सरफेस एरिया उसका, कि इतना कपड़ा हमें चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मीटर में इतना कपड़ा, 44 स्क्वायर मीटर। अब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कितने रुपये का ये मिलेगा, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, है ना भाई, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट हमें पता करनी है, तो आइए कॉस्ट पता करते हैं, सिंपल एज जेड, बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे दोस्तों। देखिए, 500 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कितने का है 500 रुपये का है 1 मीटर स्क्वायर, हमें कितने मीटर चाहिए, हमें 44 स्क्वायर मीटर का निकालना है, मतलब 44 गुना निकालना है, तो 44 गुना कर देंगे इसी 500
क्योंकि हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, ये आपके रुपया आ जाएंगे। तो दो जीरो तो आपके ये वाले लग जाएंगे, 5 चौक 20 का जीरो हासिल लगा दो, 5 चौक 20 और दो 22, तो 22,000 रुपया आपके आ गए कि कॉस्ट ऑफ कैनवास आप प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, जो लिखे हुए स्टेटमेंट यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट आप ये लिखे लिखेंगे 22,000 रुपये का वो कपड़ा आएगा, जाके ले आओ, तंबू गाड़ो और टेंट लगाओ, सर्कस स्टार्ट कर दो अपना, फटाफट जो करना है करो। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, समझ लीजिए इसको, मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट आपके, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए फटाफट इसका एक और सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो की है। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर से हमने दोनों तरफ से क्या करा, एक हेमिस्फीयर ऐसे करके काट के अलग निकाल लिया है दोनों साइड से, आइसक्रीम निकालते ना स्कूप से, इस तरह से ही अलग निकाल लिया है। एज शोन इन फिगर, हमें फिगर भी दी गई है, तो आइए फिगर पहले बना लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए किस तरीके की फिगर है, एक आपके पास सिलेंडर है इस तरीके का, एक आपके पास बेलन है, और उसमें से क्या हुआ, एक हेमिस्फीयर तो ऊपर से कट करके निकाल लिया, एक बिल्कुल नीचे से कट करके निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका यहाँ से और यहाँ से कट चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे हमसे कहा गया कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर उस सिलेंडर की हाइट ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर का हो, और हमें क्या कहा गया है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है, उसका जो ये आधार है, ये इसकी जो रेडियस त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर की हो, तो फिर हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो उस सामान का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या आएगा टोटल में, देखिए सिलेंडर की ये जो कर्व वाली दीवारें हैं, चार दीवारें हैं, जो ये वाला पार्ट है, तो ये आएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, वो आ जाएगा आपका, जिसका फॉर्मूला आपका होता है 2πRh ही हो गया। और क्या क्या आएगा, और देखिए जब ये कट के अलग हो गए इतना पार्ट, तो अंदर इस तरीके से एक अर्धगोला बन जाएगा, इसको हम छू के फील कर सकेंगे दोनों तरफ, तो वो वाला जो सरफेस होगा अर्धगोले वाला, मतलब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम छू कर फील कर सके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दो हेमिस्फीयर हैं तो दोनों का अलग अलग आप लिख देंगे, तो प्लस में आपका आ जाएगा 2πr² प्लस 2πr², ये हमारा इस तरीके से, जब हम चार दीवारी का निकाल लें, ऊपर वाले गड्ढे का निकाल लें, नीचे वाले गड्ढे का निकाल लें, तो सारा ही हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। आइए इसको हम शॉर्ट करेंगे, 2πr मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 2πr बाहर हुआ, यहाँ पर सिर्फ h बचा, यहाँ से भी 2πr बाहर हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ एक r बची, यहाँ से भी 2πr बाहर हुआ, यहाँ पे भी सिर्फ एक r बची, क्योंकि 2r थी, r का स्क्वायर था, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, 2πr हमारा रहेगा, h, r और r कितनी हो जाएंगी आपकी, 2r हो जाएंगी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट रहेंगी आपके हवाले, आप लिखना, मैं करवा रहा हूँ आपको डायरेक्ट आंसर मजेदार तरीके से। रेडियस हमारी है 3.5, ब्रैकेट लगाऊंगा, हाइट 10 और रेडियस का डबल 3.5 का डबल होता है 7, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर काटेंगे हम, ये 0.5 बार जाएगा 0.5, और 5 × 2 = 10, 0.5 का दुगना हो जाएगा 1, भाई 0.5 का मतलब होता है आधा, आधे का डबल हो गया 1, 22 की एक्स से करेंगे, 22 एकम 22, ठीक है, ये आपका 22 रहेगा, मल्टीप्लाई में आपका 17 है ही यहां पे, इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 × 34 और 35 36 37 37, ये आपका आ जाएगा 374, हमारी यूनिट क्या है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर है इसमें, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही हलवा लग रहा है मुझे तो, इनफैक्ट ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो चुकी हैं, इस तरीके से लीजिए, नहीं बताइए आपको बहुत बहुत ज़्यादा, आपकी एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पता भी नहीं लगा मुझे तो, अभी फील भी नहीं आया कि मैं चैप्टर करवा रहा हूं, बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, इंजन गर्म नहीं हुआ मेरा अभी, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2, इसके बाद अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है आपकी, बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहें, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, और इससे पहले मैं आपकी बुक में एक हेडिंग देख पा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, आयतन की, कि कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है वो तो आपका एरिया हो जाता है, अब बात होगी कि कोई चीज़ की कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसके अंदर हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं, या वो कितने मेटल से बनी है, या फिर उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, इस तरीके से ऑक्यूपेसी की बात होगी जब भी आपका वॉल्यूम निकाला जाएगा, ये बात ध्यान रखना, अगर जगह
घेरने की बात हो रही है तो एरिया आएगा, अगर उसकी खुद की ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कि वो कितनी जगह उसके अंदर है, वो कितनी चीज अपने अंदर समा सकती है, कितनी हवा, कितने चावल या कितने मेटल से वो बनी है, तो आपका वॉल्यूम के फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो अब होंगे कुछ सॉलिड्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ इमेजेस, कुछ ना कुछ फिगर बनाई जाएंगी, उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में ये होने वाला है, ठीक है जी। एक्सरसाइज के पीछे का फंडा क्लियर। आइए पहला सवाल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है वो किस तरीके से बना हुआ है, शेप ऑफ द कोन, एक शंकु है और जो किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक अर्ध गोले के ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं आपके लिए यहां पर उसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो इस तरीके की कुछ फिगर बनेगी आपकी कि एक शंकु जो है, ये शंकु आ गया, वो एक हेमिस्फीयर पर, एक अर्ध गोले पर खड़ा हुआ है। इस तरीके की आपकी कोई इमेज बन जाएगी, फिगर बन जाएगी, उल्टी आइसक्रीम जैसे की, ठीक है, ऐसे की फिगर बनेगी। आगे कहा गया है, विद बोथ देयर रेडाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों की रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब इस कोन की रेडियस भी और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी, दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिख दिया है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की, शंकु की ऊंचाई है वो उसकी रेडियस के बराबर है, मतलब रेडियस कितनी, 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी जो ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट भी आपकी 1 सेंटीमीटर की ही है। ये आपका यहाँ पर सारी जो भी मेजरमेंट हमें दे रखी थी हमने लिख दी है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, के पाई के टर्म्स में, मतलब पाई को आगे रखते हुए, पाई के साथ साथ हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आइए, तो दो फिगर, दो सॉलिड है यहाँ पर, उन दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे तो इस पूरी ही हमारा जो भी खिलौना है, जो भी बना है, इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। किस किस का वॉल्यूम निकलेगा, एक तो आपका शंकु का वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकलेगा, और आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकलेगा, अर्ध गोले का आयतन। तो ये दो निकलेंगे। आइए फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूला ही सब कुछ है इस चैप्टर के लिए, 10 नंबर आपके आएंगे फॉर्मूले अगर आपको सारे याद होंगे, ठीक है। फॉर्मूले याद कैसे करने वो मैंने आपको सिखा दिया है। आइए चलिए, अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 πr²h, ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें हम जोड़ देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2/3 πr³, ये इसका होता है, ठीक है जी। ये आपके दोनों के वॉल्यूम आ गए, जो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का जो भी चीज़ बनी है उसका आ जाएगा। अब आइए, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अपना काम आसान हो जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर मुझे नीचे 3 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये सब हम कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 πr² निकाल लिया कॉमन। अब यहाँ से 1/3 πr² बाहर आ गया, इधर रह गया सिर्फ h, प्लस का प्लस, अब यहाँ पर बटेगा 3 तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर का 2 रह गया, पाई भी बाहर आ चुका है, और आर का क्यूब था, 3 r थे यहाँ पे, मैंने आर स्क्वायर 2 r निकाल लिए, 1 r आपका रह जाएगा, 1 रेडियस आपकी रह जाएगी, ये मैंने लिख दी, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1/3 πr² की टर्म्स में निकालना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, पाई का पाई ही रहने देंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाई, के पाई के संदर्भ में आपको इसको निकालना है, तो पाई का हम पाई रहने देंगे। आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है जी दोस्तों, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 का 1 ही रह जाएगा। हाइट कितनी है, 1 है, प्लस का प्लस, 2, रेडियस कितनी है जी 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर देखिए ऊपर क्या है, पाई इंटू 1 इंटू 1, मतलब पाई एकम पाई, तो पाई एकम पाई रहेगा, ऊपर तो आपका पाई हो जाएगा सिर्फ, नीचे बटे में 3 है, 3 आ जाएगा। अब इधर देख लूँ मैं ज़रा, ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, 2 एकम 2, 2 1 2, उसमें ये वाला 2, ये वाला 1 प्लस हो जाएगा, 2 1 2 + 1, तो 2 रहेंगे आपके 3, 3 हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, आपका बाहर भी 1 है तो ये तो अच्छा, ये तो अलग हो चुका है, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे तो इज इक्वल टू आपका सिर्फ पाई बचेगा, तो इसका जो आंसर आया वो यही आया जी आपका, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं आएगा, वॉल्यूम आ गया ना, अब क्यूब लेंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आपका यूनिट आ जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, पाई क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, ये यूनिट है आपकी इस तरीके से। तो पहला सवाल हमने कर लिया है, इसके हर क्वेश्चन में यही चीज़ होगी कि कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन दिया जाएगा सॉलिड्स का, उनका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कभी कभी मेटल कितना लग रहा है, कितनी हवा, कितने चावल, ये सब चीज़ें होने वाली है। तो आइए, पहला सवाल हमने एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने कर लिया था, अब इसके और अच्छे अच्छे सवाल हम करना शुरू करेंगे। आइए इसके अगले सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका देखेंगे, सारे ही सवाल बहुत भारी भरकम और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। आइए सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आ गया,
सवाल पे ध्यान दो। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप है, जिसको आप चाशनी बोल देते हो ना, मीठी मीठी चाशनी, वही है। उसके अंदर कितनी है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम की 30% मतलब जितना भी कैपेसिटी उस गुलाब जामुन की है, उसके अंदर 30% जो है वो क्या है, वो उसके अंदर चाशनी है, मीठी मीठी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी पाई जाएगी, कितनी चाशनी होगी। अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज हुआ है, मतलब हमें अंदाजा बताना है, सिंपल एज दैट। बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना है। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड। और हर एक गुलाब जामुन कैसा होता है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, गुलाब जामुन इस तरीके का होता है। पानी आ रहा है मुंह में आस्ता सवाल कराते हुए। तो गुलाब जामुन की हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। आइए ध्यान दीजिए दोबारा से, गुलाब जामुन पे मत जाइए, फिगर पे आइए। अब तो फिगर कुछ इस तरीके की हमारी गुलाब जामुन बनता है, आप देख सकते हैं। लंबा सा थोड़ा बना दिया है मैंने, ज़्यादा ही, थोड़ा सा इसका शेप में लेके आएंगे। ये आ गया गुलाब जामुन, ठीक है जी। किस तरीके का है? बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल है, इधर उधर आपका हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पर ये आपका हेमिस्फेयर आ गया, एक ये हेमिस्फेयर आ गया, बीच में आपका सिलेंडर बन गया है। रफली फिगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए समझाने के लिए। वैसे फिगर जो है आपकी बुक में इसकी दी भी गई है, डब्बे में गुलाब जामुन भरे हुए हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें ये करना है कि एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। पूरा जो गुलाब जामुन है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। और जो उसकी डायमीटर है व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें तो त्रिज्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो जब यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 2.8 है, तो इसका आधा कर लेंगे, 1.4 हो जाएगा। तो रेडियस जो आएगी मेरे दोस्तों इसकी आएगी 1.4, ये होगा यहाँ से यहाँ तक 1.4 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये 1.4 होगा, ये 1.4 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 1.4 होगा, ठीक है। अब अगर मैं खाली सिलेंडर की बात करूँ, सिलेंडर की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इधर से 1.4 हटा देंगे 5 में से, और इधर से भी 1.4 हटा देंगे 5 में से। तो जब हम 5 में से 1.4 और 1.4 2.8 हटाएंगे, तो हमें खाली सिलेंडर का यहां से यहां तक का मिल जाएगा। तो 2.8 इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2.2, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये जो हमारा ओनली सिलेंडर वाला पार्ट है 2.2 सेंटीमीटर का है। सारी ही मेजरमेंट्स हमें पता लग चुकी हैं। आइए अब करना क्या है हमें, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुनों के अंदर कितना सिरप मिलेगा ये बताना है। डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही आंसर आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप सारी स्टेटमेंट लिख देना भाई, ये इसका गुलाब जामुन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, ठीक है, उसका रसीला भन सब कुछ लिख देना। फॉर्मूला देखिए क्या क्या है, वॉल्यूम किस किस का निकलेगा। सबसे पहली बात, सिलेंडर दिख रहा है हमें, एक सिलेंडर का निकलेगा, फॉर्मूला लगा दो सिलेंडर का। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लग गया। एक हेमिस्फेयर इधर है, एक हेमिस्फेयर उधर है, दो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का वो वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो हम दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2/3 πr³, ये आपका आ जाएगा दोनों हेमिस्फेयरों का वॉल्यूम। तो 2 × 2 कर देंगे आप, डायरेक्ट 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4/3 जो होता है वो पूरे एक स्फेयर का होता है। तो 4/3 πr³ ये निकल के आ जाएगा आपका दोनों हेमिस्फेयरों का वॉल्यूम। अब ऐसे कितने हैं, ऐसे 45 गुलाब जामुन है जी, 45 आ गया। और हर एक के अंदर कितनी चाशनी है, 30% चाशनी है। तो ये 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और हमें बताना है हाउ मच सिरप, कितना सिरप होगा। तो 45 गुलाब जामुन ये आ गया, 30% हर एक में है, तो इस 45 के 4500 का 30% निकाल देंगे अगर हम डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे का 30% कर देता हूँ, तो ये उन 45 के 45 गुलाब जामुनों के अंदर, जिसके अंदर हर एक के अंदर 30% जो है वो चाशनी है, तो ऐसे 45 गुलाब जामुनों के अंदर कितनी चाशनी होगी, वो सब इस एक ही तरीके से निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने कि इससे डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ और करना ही नहीं आपको, बस इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आंसर लेके आ जाएगी। तो ये मैंने डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पर लगा दी है, सवाल आपको समझना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, कुछ कॉमन अगर हम ले पा रहे हैं तो ले सकते हैं हमेशा की तरह। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं अलग से। तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, और बस यही कॉमन निकल पाएगा इन दोनों में सिर्फ, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाहर आया, यहाँ पर सिर्फ एच रहेगा, प्लस का प्लस, 4/3 आपका अंदर ही रहेगा। पाई आर स्क्वायर बाहर आ चुका, एक आर बचेगा, तो एक आर यहाँ पर आ गया, ये आपका इस तरीके से हो गया। इधर बाहर अलग से हमारे पास 45 है, और मल्टीप्लाई में इसका 0 से 0 कट कर दीजिए, ये रहा, और 3/10 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा थोड़ा सा और छोटा हो गया, आइए इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो 22/7 रेडियस कितनी है जी आपकी, रेडियस है आपकी 1.4 × 1.4, स्क्वायर होने की वजह से दो बार लिख दी मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट लगाया, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर,
ठीक है, नॉट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपकी पूरी की है, हम लेंगे ओनली 2.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर आएगा, प्लस का प्लस आएगा, 4/3 आएगा, रेडियस आएगी आपकी 1.4, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में बाहर आपका ये 45 मल्टीप्लाई बाय 3/10 चल ही रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अब 7 से 1 कटेगा, 7 × 2 = 14 होते हैं, तो 0.2 बार, 0.2 बार जाएगा, 0.2 की अगर मैं क्या करूँ, मैं किसी में भी इसमें कर लूँ या इसमें कर लूँ, किसी में भी आप कर लीजिए, तो अगर मैं इसमें करूँ 22 × 44 होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4.4, क्योंकि 44 के बीच में एक पॉइंट के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ पर 1.4 आपका चल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, ये 2.2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 14 × 56 होते हैं, तो यहाँ पर 56 लिखेंगे, एक के बाद पॉइंट, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके बटे में 3 है तो 3 भी लिख दूंगा बटे में, ये लो जी। यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब और आगे बढ़ेंगे, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 14 × 56 का 6 हासिल लगा 5, 14 × 56 और 5 = 61, तो ये 616 हो गया, एक के बाद इसमें पॉइंट है, एक के बाद इसमें पॉइंट है, तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट वाली गुणा आपको आती होगी 10वीं क्लास में हो आप, ठीक है। चलिए जी, अंदर क्या है, अंदर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो इसकी जब 22 + 3 कितने होते हैं आपके 66 होते हैं, 6.6 आ जाएगा, प्लस 5.6 आ जाएगा, अपॉन में आपका 3 रहेगा, ये हमने यहाँ एलसीएम ले डाला, यहाँ 45 है, वो 45 है ही, और 3/10 भी है ही। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बाहर 6.16 है ही, अगर हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 × 6 = 12 हासिल लगाए, 6 × 5 = 11 और 1 = 12, तो ये आपका हो जाएगा 12.2, ठीक है जी, ये आपका हो गया, इसके बटे में 3 चल ही रहा है, मल्टीप्लाई में बाहर 45 है और 3/10 है। अब देखिए ये 3, अब सब कुछ ना, सब कुछ मल्टीप्लाई में, अब मैं यहाँ से ब्रेकेट भी हटा सकता हूँ, अब क्या है, सब कुछ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 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 सारे आपस में इंटू कर रहे हैं। अब देखिए ये 3 नीचे ही ऊपर है, जो 3 से तो मैं 3 काट सकता हूँ, अब ऊपर नीचे, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में आ चुका है, और कुछ कट सकता है क्या, और तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि आंसर हमें लाना है, अप्रोक्सीमेटली भी बता सकते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में, यहाँ पर क्योंकि देखिए ये है 6.16, ये है 12.2, अगर हम पॉइंट वाली मल्टीप्लाई भी करने चलेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा इसमें चला जाएगा, अगर हम एग्जाम में सवाल कर रहे होंगे तो, ठीक है, घर पर बैठे हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करो, अच्छी बात है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ होऊंगा ना, वो मैंने पढ़ लिया कि अप्रोक्सीमेशन है, मतलब अंदाजा अंदाजा हमें बताना है, एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं देना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसका राउंड ऑफ फिगर लूंगा, मैं कुछ राउंड ऑफ कर लूंगा इसको, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूंगा इसमें, अगर पॉइंट के बाद में भूल जाऊं कि कुछ भी नहीं है, तो ये है 12, ये है 6, 12 छिंग मेरे हो जाएंगे 72, 72 मेरा हो जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 16 तक जा रहा है, इसमें 20 तक जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद आधे से ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 72 का मैं 75 75 कर लूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और 75 जो है वो एक मिड फिगर भी हो गई, तो मैं इसको 75 एज्यूम करके आगे सवाल बढ़ा दूंगा, तो 75 ये हो जाएगा, वो मेरे यहाँ पर फिर कितना रह जाएगा, 45 ये रह जाएगा, तो जब मैं अलग से कहीं पर 75 और 45 की इनटू में कर लेता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर मैं अपने फटाफट आंसर निकाल लूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5×5 = 25 का पार हासिल लगा दो, 5×7 = 35, 4×5 = 20, 5×2 = 7, 3×2 = 5, 7×7 = 5, 5×5 = 7, 7×2 = 28, 28×5 मेरे हो जाएंगे 33, तो ये आ जाएगा मेरा। और इसमें कुछ और भी है, हाँ एक पॉइंट है बाहर इसमें, इसमें तो अच्छा पॉइंट ही नहीं है कोई, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 से डिवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, एक अंक के बाद भाई डिवाइडेड बाय 10 था ना, तो मैंने क्या करा, एक 10 का वो हटाकर एक 0 ऊपर यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 337.5 मेरा आंसर आ गया, कितना 337.5, और क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बताना है तो मैं पॉइंट हटा ही देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, इसको और आगे बढ़ा के राउंड ऑफ करके 338 कर दूंगा, ठीक है जी, 338, और हमारा किस में चल रहा है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब ये मेरा हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने, अब बच्चे पूछेंगे सर आपने 337 का 300 ये जो था 337.5 इसका आपने 337 ही क्यों नहीं रहने दिया, भाई देखो यहाँ पर ना पॉइंट से जो वैल्यूज है वो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 12 × 72 से भी 75 एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के लिया, और मैंने यहाँ पर 337 से भी आगे मतलब पूरा 38 इसको कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में आंसर था, तो इस तरीके से मैं लेकर आ गया हूँ। और अगर आप बुक में
चेक करेंगे तो बुक में भी आपको यही आंसर मिलने वाला है 338। ठीक है, तो इस तरीके से ही काफी अच्छा एक सवाल था, काफी लंबा सवाल था, इनफैक्ट मैंने तो शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक साथ ही सब कुछ करवा दिया, लेकिन आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं लिख के। ऐसे ही लंबे लंबे सवाल आपका 4 नंबर में 5 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, एक सवाल। तो इसलिए आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है। आइए इसके ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे, अभी जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरा चैप्टर आपको करा के मैं दम लेने वाला हूँ, जुड़े रहे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगर 4 क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर ना हो पाए आपसे तो वेबसाइट पर हमारी विजिट कर सकते हैं www.dearsir.in पर। आइए देखिए यहाँ पर सवाल देखिए। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन इनवर्टेड कोन, एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु की तरह है। मैं यहाँ पर बर्तन बना देता हूँ, एक इनवर्टेड कोन हमें बनाना है, तो इस टाइप का कोई एक बर्तन है इस तरह का, ठीक है जी, जैसे कि कुप्पी होती है तेल निकालने की, आपने देखी होगी, इस टाइप का कोई एक बर्तन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर, और एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और इसकी जो रेडियस है जो इसकी टॉप जो ये खुला हुआ है, मतलब इसका जो ये मुँह है यहाँ से ये खुला हुआ है, और इसकी रेडियस इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी रेडियस आ गई ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पानी से भरा हुआ है बिल्कुल मुंह तक, मतलब पूरा ही पूरा ये पानी से भरा हुआ है यहां तक बिल्कुल किनारे तक ऊपर। अब क्या होता है आगे, When lead shots, ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी सी गोलियां है एक मेटल की, लेड की, जो कि छोटी छोटी गोलियां है वो क्या हो रही हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, जो कि गोल गोल गोलियां है, तो मैं छोटी छोटी गोलियां बना लेता हूँ, ऐसे छोटे छोटे से यहाँ पर स्फेरिकल जो है वो गोलियां हैं, शॉट्स हैं इस तरीके के, और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो एक स्फेयर है इसको थोड़ा सा मैं जूम करके, अगर ऐसा करके मैं जूम करूँगा तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है, इतनी बात हमसे कही गई है एक गोली की। अब क्या होता है, आर ड्रॉप्ड इन टू द वेसल, और ये छोटी छोटी गोलियाँ इस बर्तन के अंदर इसके अंदर डाली जाती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी इस तरीके से अंदर आ जाती हैं वो गोलियाँ। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब गोलियाँ डाली जाती हैं कुछ तो इस बर्तन में जितना पानी है उसका 1/4 एक चौथाई पानी जो है वो बाहर बह जाता है, निकल जाता है, जाहिर सी बात है बर्तन पूरा मुंह तक भरा हुआ है तो जब हम कुछ भी उसके अंदर डालेंगे तो पानी तो बाहर गिरेगा ही, है ना, इस तरीके से हुआ है कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, तो कितनी गोलियाँ हमने उस बर्तन में डाली हैं ये हमको बताना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ये गोलियां कितनी हमने बर्तन में डाली कि बर्तन में से एक चौथाई पानी बाहर आ गया। सवाल समझ में आ गया पूरा, अब आंसर क्या लाना है, हमको कैसे लाना है वो आपको समझाता हूं। देखिए वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, आयतन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ है, हमें सारा पानी का वॉल्यूम चाहिए होगा जो कि इस बर्तन का वॉल्यूम होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसके बाद क्या होगा, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना पड़ेगा एक चौथाई, उसका हम 1/4 कर देंगे, तो उससे उतना पानी हमें पता लग जाएगा जितना बाहर गिरा है, जब हम पूरे वॉल्यूम को निकाल के उसका 1/4 करेंगे तो जितना पानी बाहर गिरा है 1/4 वाला वो हमें पता लग जाएगा। अब वो जो पानी बाहर गिरा है वो कब गिरा है, कि जब ये गोलियाँ अंदर डाली गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन गोलियों के वॉल्यूम के बराबर ही वो निकला हुआ पानी का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना वजन अंदर गया गोलियों का, जितना वॉल्यूम गोलियों ने जाके अंदर घेरा उतना ही वॉल्यूम का पानी तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब उस पानी का वॉल्यूम बराबर होगा इन गोलियों के वॉल्यूम के, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कितनी गोलियां डाली होंगी, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम बाहर निकला है, जो पानी बाहर निकला है उसके वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड कर देंगे इस एक गोली के वॉल्यूम से, तो हमारी नंबर ऑफ ये जो लीड शॉट्स है ना ये हमारी आ जाएंगी, कितनी गोलियां थी अंदर डाली गई वो हमें पता लग जाएगा। ऐसे हमें पूरा सवाल को आगे बढ़ाना है, ये मैंने आपको समझा दिया है, अब आइए इसको प्रैक्टिकल हम यहां पर लिखकर करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच, तो यहां पर मैं लिख भी दूंगा शॉर्ट में थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वन थर्ड का एक बटा तीन का आपका एक बटा तीन आ जाएगा, पाई की जगह आपका 22/7 आ जाएगा, आर स्क्वायर इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, तो आर का स्क्वायर है मतलब 5 जो है वो दो बार आ जाएगा, और हाइट कितनी थी बर्तन की 8 सेंटीमीटर ये आ गया। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर ही, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे लिख दो, 5 × 25 = 25, 25 × 8 = 200 और 22 × 44, 200 का 200 इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 22 × 44 और 200 के 20 इसके आगे आ गए, तो ऊपर वालों की सबकी मल्टीप्लाई ऊपर आ गई, 7 × 3 = 21 नीचे आ गया। तो ये आपका आ गया इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकल के, ठीक है जी। अब इसका 1/4 हिस्सा जो है, 1/4 पानी बाहर गिर जाता है, तो इसका 1/4 हम निकाल लेंगे, यहां पर हम निकाल लेंगे 1/4 ऑफ वाटर, ठीक है, 1/4 वॉल्यूम लिख देंगे, बल्कि यहां पे हम 1/4 वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम जो कि 1/4 बाहर निकला है, वो हम क्या करेंगे, सिंपल एज जेड कुछ भी नहीं करेंगे, इसको नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे हम इस 4421 का 1/4 कर देंगे, तो यहाँ पर इसका 1/4 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब कैसे देखिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 4 = 4, तो ऊपर बचेगा 1100 और नीचे बचेगा आपका 21, तो इतना पानी जो है, इतना पानी बाहर निकला है, 1/4 जो बाहर निकला है ना उसका जो वॉल्यूम है वो इतना है, इतने पानी के बराबर जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ चुका है। अब क्या करना है, अब हम निकालेंगे एक इस छोटी वाली गोली का वॉल्यूम, क्या फिर उस वॉल्यूम से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो कितनी गोलियां लगी है वो हमें पता लग जाएगा। आइए निकालते हैं, तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट्स, ठीक है, एक गोली का वॉल्यूम कितना होगा, तो गोली क्योंकि एक स्फेयर है, एक गोला है, तो गोले का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³। ये फॉर्मूले ही आपको बस याद होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे, अब 4/3 पाई की आ जाएगी 22/7, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है 0.5 × 0.5 × 0.5, तीन बार आ गई क्यूब की वजह से। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबका पॉइंट हटा के मैं क्या करूँगा, नीचे एक जीरो लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, तो इसका पॉइंट हटके इसके नीचे आपका 10 हो जाएगा, इसके नीचे ये हटके इसके ये आपका 10 हो जाएगा, और इसका ये पॉइंट हटा देंगे हम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जैसे कि 10 के जीरो के बदले ऊपर एक के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, उसी का उल्टा कर देंगे, ऊपर एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो उसके बदले मैंने नीचे 10 लगा दिया, तो इससे क्या होगा, एक तो पॉइंट हट गया हमारा, सवाल और आसान हो गया। अब हम कुछ चीज़ें काट सकते हैं, जैसे कि देखिए हम क्या काट सकते हैं, हम ये काट सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, हम ना 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 10, इस तरह से क्या हो जाएगा, सब आधे हो जाएंगे, सब हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, एक तो सब 1/2 हो गए। अब देखिए और क्या काट सकता हूँ मैं, भाई 2 × 4 होता है, तो इन दोनों 2 से ये पूरा का पूरा 4 कट जाएगा, और क्या डिवाइड कर सकता हूँ मैं, इस वाले 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 आएगा, 2 × 2 = 2, तो 11। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा सिर्फ बचा 11, ये मल्टीप्लाई में 1 है, तो 11 × 1 = 11, तो ऊपर तो हमारा सिर्फ रह गया 11, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 7 × 3 = 21, तो ये आ गया हमारा एक उस गोली का वॉल्यूम निकल के। अब नंबर ऑफ, जब भी ये नंबर ऑफ आ जाए ना कि कितनी गोलियां, कितनी ईंटें लगी, कितनी आपकी लकड़ी के ब्लॉक लगे, जब भी ये नंबर निकल के आए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एज दैट बड़े वाले वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले वॉल्यूम से, किसी भी एक गोली के, एक ईंट के, या जो भी चीज होगी जिससे वो बन रही होगी, जिसके अंदर डल रही होगी, उसके एक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। इतना पानी बाहर निकला, तो एक गोली ने इतना बाहर निकाला, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इससे पता लग जाएगा कितनी गोलियां थी जिन्होंने सारा निकाला बाहर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एज दैट अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ लीड शॉट्स, वो कैसे निकलेंगे, वो आपके ऐसे निकलेंगे कि जब हम इस वाले जो उन्होंने वॉल्यूम हटाया था पानी, इतने इसके वॉल्यूम को जब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक के वॉल्यूम से, एक का वॉल्यूम आया 11/21, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासेस में ट्रिक सिखाई जाती है कि जब भी डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन डिवाइडेड हो तो क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है। हम क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर को, इधर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इस डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, और फिर बाद वाले फ्रैक्शन उल्टी कर देते हैं, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करा, और इसके ऊपर वाले को नीचे लेगा, नीचे वाले को ऊपर लेगा, ये हो
गया। अब ये डिवाइड हो जाएगी ऊपर वाले से कि नीचे, 21 ऊपर नीचे ये कट जाएगा और 11 ऊपर नीचे ये कट जाएगा, 11 एकम 11, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1 के आगे 00 मतलब 100। तो ये है गोलियों के नंबर, मतलब 100 गोलियां जब हम ऐसी इसके अंदर डालेंगे तो जब जाके इसका 1/4 पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हमको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड द नंबर, तो जो पूछा है वो आंसर आप करेंगे द नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्ड इन द वेसल इज इक्वल टू 100, 100 गोलियां डालेंगे। अब इसके आगे आप सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर ये सब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये है गोलियों की संख्या और संख्या में आपको ये सब यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें आप ध्यान रखनी है आपको। इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, एक इंपॉर्टेंट सवाल था, ये मैंने आपको करके सिखाया है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिए, मैं साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। और ऐसे ही सवाल इसके आइए कुछ और अब हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हिंट राउंड शुरू करने जा रहे हैं हम, जहां पर मैं आपको फटाफट हिंट दूंगा अगले सवालों के लिए। आइए, यहां पर मैंने 2 सवाल आपके लिए ले लिए हैं एक साथ बैक टू बैक। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, इस तरह का आपके सामने आ रहा है सिलेंडर, आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का है। एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, उसका जो बेस का आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर जो है छोटा सा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट और रेडियस हमें यहां पर दे रखी है। इस तरीके की आपकी कुछ इमेज जो है फिगर बनेगी। फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो इस खंबे का हमें मास, इसकी डेंसिटी बतानी है, वजन बताना है इसका। गिवन दैट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयरन में लोहे में कम से कम 8 ग्राम का वजन है या मास है, ये हमको बताना है। तो हमें क्या करना है, इस पूरी ही फिगर का हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी, मास, कितनी इसके अंदर वजन है, कितनी कैपेसिटी, कितनी इसके अंदर, कितने लोहे से वो बना हुआ है, इस तरीके से। तो यहां पर फिगर आपकी किस कुछ रफली अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके की बनेगी, भाई एक सिलेंडर आपका नीचे है और उसके ऊपर छोटा सा एक और सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये तो बहुत बुरी सी मैंने इमेज बना दी आपके लिए। अब करना क्या है, दोनों सिलेंडर है जो दोनों का आपका क्या निकलेगा, आपका वॉल्यूम निकलेगा। तो आप बड़े सिलेंडर के लिए बड़ी आर और बड़ी एच यूज कर सकते हो, या R1H1 यूज कर सकते हो, और छोटे वाले सिलेंडर के लिए आप R2H2 या फिर छोटी स्मॉल वाली आर और एच यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे कैपिटल यूज करूंगा बड़े के लिए। तो जब पूरे का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो आपका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, टाइम बचाऊंगा और अपना भी आपका भी। डायरेक्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, तो बड़े वाले सिलेंडर के लिए मैं यूज कर रहा हूं बड़ा आर और बड़ा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इससे आ जाएगा बड़े वाले का, प्लस वॉल्यूम ऑफ छोटे वाले का। इस दोनों से आपका दोनों का आ जाएगा निकल के क्या, वॉल्यूम, जब प्लस कर देंगे। पाई कॉमन है तो पाई आप बाहर ले सकते हैं, फिर अंदर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एच और प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा फॉर्मूला जो है मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या रखना है आपको, बड़े वाले की रेडियस, तो बड़े वाले का हमें डायामीटर दिया है 24, तो रेडियस कितनी आएगी, 12 आएगी, 12 आएगी, तो यहाँ पर आपका आएगा 12 का स्क्वायर इस तरीके से, और हाइट है उसकी कितनी 220 सेंटीमीटर, तो 220 आएगा रेडियस आर स्क्वायर छोटे वाले का जो कि 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा, और फिर हाइट इसकी आएगी कितनी, हाइट है इसकी 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर 60 आएगा इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर आपका ये रहेगा, वो पाई जो है आपको 3.14 यूज करना है, ये आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी पुट कर दी हैं, इनको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो भी आंसर आएगा वो तो आपका वॉल्यूम आएगा। हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ द पोल, कितना उसके अंदर वजन होगा, तो हमें बता रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो आप क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा, जितना भी सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना, मतलब जो भी इस पूरे से आएगा सॉल्व होकर, उस पूरे की आप कर देना 8 से मल्टीप्लाई, तो आपका मास आ जाएगा ग्राम के अंदर। लेकिन अगर आपको किलोग्राम में दिखाना है और किलोग्राम में ही दिखाना है, ऐसे सवाल अगर आ जाए तो केजी में वेट दिखाना, तो आपके उसको किलो बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसकी 1000 से नीचे डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा किलोग्राम में आंसर। तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 8/1000 कर देना, आपका केजी के अंदर आंसर आ जाएगा कि इतने किलो का उसका जो है वो मास है, उसका वजन है। इस तरीके से आपको सवाल करना है, कर लेना, कमेंट में आंसर लिख देना, और खुद भी आप थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, पेपर पेन लेके आप बैठे हुए हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, तो एक हेमिस्फीयर, एक अर्ध गोले पर एक कोन खड़ा हुआ है उल्टा, जैसे खिलौना पहले आया था, किस तरीके से एक अर्ध गोले पर एक कोन खड़ा हुआ है, तो इस टाइप का आपका कोई एक खिलौना बना है, कुछ भी एक सॉलिड बना है, सॉलिड यहां पे नाम दिया है उन्होंने, ऑफ रेडियस दिस, यहां पे उन्होंने उसकी रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इस प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया जो कि सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर था हमारे पास अलग से,
इस तरह का पानी से भरा हुआ ये पूरा, ये हमने खिलौना ये सॉलिड उठाया और इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर रख दिया, इस वाले सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पर इसको रख दिया है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर आ चुका है ये। अब क्या होता है, सच दैट इस तरीके से रखा है कि इस टच इज द बॉटम, तो उसने उसका पैंदा, उसका आधार, उसका बेस जो है वो छू लिया है, टच कर लिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो अब कितना पानी उस सिलेंडर के अंदर बचा है वो हमको बताना है। जाहिर सी बात है, जब ये सिलेंडर पानी से पूरा भरा हुआ है और हमने इसके अंदर ये चीज़ डाल दी, एक लोहे की सॉलिड डाल दिया, तो फिर पानी इसके बदलेगा, कुछ पानी बाहर गिरा होगा, तो अब कितना पानी अंदर है इसके डलने के बाद ये हमको बताना है, ठीक है जी। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट इज 180 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर की भी हमें दे रखी है दोनों चीज़ें, यहाँ पर रेडियस जो है आपकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से आता है ये चीज़, और इसकी भी हाइट दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इस वाले खिलौने का, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है जी। इसका वॉल्यूम निकल गया, आप कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में है एक अर्धगोला और एक कोन, तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक आपका है कोन, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 πr² h, और एक है इसके अंदर हेमिस्फीयर, तो उसका होता है 2/3 πr³। ऐसा करने से तो आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा उस वाले सॉलिड का, आ गया। आप क्या करेंगे, सिलेंडर का वो निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला आपका होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, सिलेंडर का क्या होता है, πr² h होता है, πr² h सिलेंडर का होता है। अब देखिए, जब आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, इस सॉलिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा वो पानी बचा हुआ या वो वॉल्यूम बचा हुआ, जो वॉल्यूम आपका इसके अंदर रह गया, और वो क्या है, वो तो पानी है। तो इस तरीके से आप जब क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये वाली चीज़ ये निकाल के अलग से माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो तो फिर पानी का होगा ना, क्योंकि ये हमने माइनस क्यों करा है, क्योंकि इतना जो हमने ये डाला इसके बदले का पानी बाहर आ गया, तो वो तो हम छोड़ देंगे, जो बचा वो क्या होगा भाई, ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, जो बचेगा वो आंसर होगा, मतलब ये कर देना आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है आपको, वैल्यूज पुट आपके यहाँ पे सारी दे रखी है, यहाँ पर आपकी सिलेंडर वाली आ जाएगी जो कि यहाँ पर दे रखी है 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपकी इन दोनों को आप अलग से सॉल्व करके कर लेना, कुछ कॉमन ले सकते हो, πr² वगैरह कॉमन ले लेना, और काम आसान हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंट दे दिया दो सवालों का, इसको आप करेंगे ट्राई, आपसे हो भी जाएगा, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, और आप भी जानते हैं कि हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट इज पावर। लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का 13.2 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, एक गोल आकार जो है बर्तन है जिसका गला जो है वो सिलेंडर की तरह है, कैसा बर्तन है बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह का कोई बर्तन है कि नीचे से तो वो गोल है बिल्कुल, ऊपर उसका एक सिलेंड्रिकल एक गला है, एक नेक है, मतलब जैसे सुराही होती है वैसा आपने देखा होगा, इस टाइप का एक बर्तन है। अब आगे कहा गया हमसे, आ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका जो ये गला है सिलेंडर वाला पार्ट का, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और आगे कहा गया है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, व्यास जो है इसका वो 2 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की, भाई डायमीटर जो है वो 2 cm है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की सिलेंडर वाले पार्ट की। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, जो स्फेरिकल वाला पार्ट है नीचे गोलाकार जो हमारे पास गोला है नीचे, उसका व्यास 8.5 है, तो उसकी जो रेडियस होगी, उसका व्यास है 8.5, तो उसकी रेडियस होगी आपकी 4.25, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये हो जाएगा आपका 4.25 सेंटीमीटर। आगे कहा गया हमसे, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है उसको नापा गया, उसको मेजरमेंट किया गया, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक बच्चे ने यह पाया कि इसका वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। चेक वेदर शी इज करेक्ट, ये आप चेक करिए क्या वह ठीक है, क्या उसने जो ये वॉल्यूम पता कराया वो सही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, उसने अपना वॉल्यूम बताया, हम अपना निकाल के बताएंगे और मिला लेंगे, अगर हमारा और उसका वॉल्यूम मिल गया तो मतलब वो सही है, अदरवाइज वो गलत है, ठीक है जी। टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14, और ये मेजरमेंट दी गई है इसके अंदर की है और पाई हमें 3.14 यूज़ करना है, तो सिंपल एज दैट इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, और क्या करना है, हमसे पहले से कहा गया कि एक लड़की एक बच्ची ने बता दिया इसके इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इस बर्तन का वो कितना है, वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, हम अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे, अगर वो भी इतना आता है तो सही है वो लड़की, वरना गलत है, उसने गलत निकाला है। अब वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें निकलेंगी, एक स्फीयर एक सिलेंडर है, तो स्फीयर प्लस सिलेंडर
निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, स्फेयर का वॉल्यूम निकलेगा प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा। इन दो चीज़ों का आपको वॉल्यूम निकालना है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr²h। इसके अकॉर्डिंग आप रख लेंगे, पाई दोनों में बाहर निकाल लीजिए क्योंकि पाई जो है वो आप बाद में यूज़ कर लेंगे। इधर रह जाएगा 4/3 πr बाहर आ गया r³ और प्लस का प्लस लगाएंगे और पाई बाहर आ गया तो इधर आ जाएगा आपका r²। अब दोनों की रेडियस जो है वो अलग अलग है, जो ध्यान रखना सिलेंडर में हम रखेंगे ओनली 1, ठीक है 1 cm रेडियस, तो यहाँ पर 1 cm आएगी मतलब 1 का² आएगा और हाइट आएगी 8 और यहाँ पर आपका 4/3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर रेडियस आएगी आपकी 4.25 का³, ठीक है, और बाहर फिर आपके इस पूरे के क्या आएगा 3.14। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर इसको सॉल्व करके आपका 3.45 आ जाता है तो वो लड़की ठीक है, अगर नहीं आता तो वो गलत है। फिर आप अपना सही आंसर बता देना कि भाई वो गलत थी, हमने जो निकाला ये सही आंसर है, ये वाला लिख के दिखाओ आप, तो आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये हिंट राउंड भी कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे मैंने आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हिंट दी है कि कैसे उनको सॉल्व करना होता है। और इसी के साथ ही मेरे दोस्तों ये पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। मेरा जोश और उमंग मेरी बनी हुई है, अभी बिल्कुल भी जरा सा भी मोटिवेशन मेरा कम नहीं हुआ है। मैं इसीलिए आपको अब स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 13.3। बने रहे मेरे साथ। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं YouTube पर एजुकेशन की बेस्ट वीडियोस। 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक हेडिंग और मिलती है आपकी बुक में, जहां पर लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। मतलब अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होने वाला है कि कुछ सॉलिड दिए जाएंगे जिसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी और दूसरी शक्ल में। मतलब किसी अर्ध गोले का कुछ कोन बना सकते हैं, किसी गोले का कुछ और सिलेंडर बना सकते हैं। तो इस टाइप से एक चीज से, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड कन्वर्ट किया जाएगा। फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई इसमें जो इसकी हाइट इतनी थी, अब ये चीज बन गई तो इसकी बताइए हाइट नहीं होगी, या इसका तो वजन इतना था, अब छोटी छोटी इतनी आइटम बना दी तो इनका छोटी वाली का वजन कितना होगा, या बड़े बॉक्स से छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए तो हर एक बॉक्स जो है वो कितना बड़ा होगा, या कितने बॉक्स बनेंगे, इस टाइप के सवाल पर रहने वाले। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए ले लिया है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हिंदी में। नीचे देखिए सवाल क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। अब हमसे क्या कहा गया कि एक सॉलिड स्फेयर है, एक मेटेलिक स्फेयर है, मेटल का बना हुआ है एक गोला, एक गोला है किस तरीके का है भाई, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक गोला जो है वो मेटल का बना हुआ है। उसको हमने क्या किया गया, उसको इसकी रेडियस भी दे रखी है, चलो रेडियस भी लिख दो, ये लो जी इसकी त्रिज्या दे रखी है 4.2। इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया गया, इसको गला दिया गया पिघलाकर, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और एक सिलेंडर की फॉर्म में इसको बनाया गया। तो एक गोले को एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है पिघलाकर गलाकर, ये सिलेंडर आ गया जिसकी रेडियस जो है अब 6 cm है, जिसमें ये जो सिलेंडर बना है इसकी रेडियस है दोस्तों 6 cm, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इस वाले सिलेंडर की ये हाइट कितनी होगी, हमें ये एच बतानी है। ऐसे सवाल आएंगे, एक चीज से दूसरी चीज बना दी गई, उसमें हमें रेडियस बता दी गई, उसकी हाइट बताइए। तो अब देखिए इस केस में या ऐसे सभी सवालों में क्या होगा, ये से ये बना है, मतलब इस चीज से ये चीज बनी है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो तो बराबर होगा, है ना, वॉल्यूम तो इनका इक्वल होगा। जब इससे ये बना दिया गया, हमने अलग से तो कुछ मेटल नहीं डाला ना, इसमें से मेटल कम किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम यही करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि इनके वॉल्यूम्स को इक्वल रखेंगे। तो आइए रखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनको बराबर रखेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल रखेंगे। तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका 4/3 πr³। अब इन सवालों में सबसे मजे की बात क्या होगी कि ज्यादातर केसेस में पाई से पाई कट जाया करेगा, क्योंकि इक्वल के अगर इधर उधर दोनों सेम चीजें आप काट सकते हो, मैंने बता रखा है आपको सिंपलीफिकेशन की वीडियोज के अंदर। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर एच, यहाँ बचा 4/3 r³। अब देखिए आर स्क्वायर ये है सिलेंडर की रेडियस जो कि हमें दी थी 6 cm, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 × 6 इनटू में हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की, तो निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे एच का एच लिख देंगे, क्योंकि ये हमें नहीं पता, यही तो निकालनी है, इसी के लिए तो सवाल किया जा रहा है, सारी मेहनत जो हो रही है। 4/3 आएगा इधर
आर क्यूब। अब ये किसकी आर है भाई, स्फेयर की। स्फेयर की रेडियस क्या है, 4.2। तीन बार है, क्यूब है, तो 4.2 × 4.2 × 4.2 ये आपकी इस तरीके से तीन बार हो गई। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट पीट कर जो भी फाइनल आएगा वो आपका हाइट निकल के आ जाएगी, बस ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए, इसका मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, इसके नीचे 10 बना देता हूँ, इसका पॉइंट हटाऊंगा, इसके नीचे 10 लिख दूंगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा, इसके नीचे भी 10 लिख दूंगा। तो ये इस तरीके से मैंने पॉइंट हटा दिए। अब क्या हो सकता है, देखिए, तीन से इसको मैं काट सकता हूँ, तीन से ही जाएगा, 14 टाइम्स चला जाएगा, ये मैंने इसको काट दिया। कुछ और काट सकता हूँ क्या मैं, हाँ काट सकता हूँ। देखिए, दो से इसको काटूंगा, 2 × 4, 2 से इसको काटूंगा मैं, 2 × 5 = 10, ये मैंने यहाँ पर 2 से काट दिया। कुछ और काट सकता हूँ क्या, अब कुछ और तो नहीं कट कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ क्या होगी यहाँ पर, इधर हमारे पास है 6 × 6 × h, और इधर हमारे पास ये यहाँ पे 2 है ऊपर, और ऊपर 14 है, तो ऊपर हमारे पास 2 × 14 है, इंटू में ये वाला 42 है, और इंटू में ये वाला 42 है, ये सब हमारे पास ऊपर बचा हुआ है, और नीचे हमारे पास है 5 × 10 × 10, ये सब नीचे बचा हुआ है। अब देखिए, हमें h निकालना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ h को रहने देंगे, बाकी इसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको भी हम उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लाई में है 6 × 6, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब उधर जाएगी इक्वल के, तो डिवाइड हो जाती है। आपको कई बार मैंने लाखों करोड़ों बार बता रखा है, तो यहाँ से इसको हटाकर, ये मल्टीप्लाई में से हटकर क्या हो जाएंगे, ये भी नीचे डिवाइड में आ जाएंगे दोनों, ये आ गए यहां पर। ठीक है, अब सब कुछ काट सकते हैं हम। तो देखिए, 6 × 7 = 42 होता है, ये कट गया, 6 × 7 = 42 होता है, ये भी कट गया। कुछ और बचा, कुछ और कट सकता है क्या, हाँ जी कट सकता है, 2 से इस वाले 2 से हम ये वाला 10 एक बार और काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, ये हमारा कट गया। कुछ और कट सकता है क्या, अब कुछ नहीं कट सकता है ना, अब तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कटता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए, अब हम इसी को लिख देते हैं। ऊपर हमारे पास बचा 14 × 7 × 49, ये हमारे पास 49 बचा यहाँ पर, और नीचे डिवाइड में बचा हमारे पास 10 × 5 = 50 और 5 × 5 = 25, कितना बचा, 25 को बचेगा, 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 25, 250 बचेगा, 10 और आएगा इसके आगे। ठीक है, ये बचा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो है आंसर वो है निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप अपनी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद था कॉन्सेप्ट समझाना, जो मैंने समझा दिया इस टाइप के सवाल में क्या होने वाला है। अब कैलकुलेशन तो आप ही करेंगे, मैं चाहता भी हूँ कि आप ही करें, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी, और उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद ही करो, भले ही मैं करवा दूं ना, आप फिर भी खुद करा करो, ताकि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो, आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, इसकी हाइट आएगी वो निकल के आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलें, अपनी कॉपी में भी नोट करके इसका आंसर लिखें, ताकि आपको पता रहना चाहिए, क्या पता यही सवाल उठ के आ जाए एग्जाम में, है ना, तो इसलिए कुछ भी पता नहीं होता, सब कुछ चीज़ें रेडी करके रखें। ये हो गया इसका पहला सवाल, आइए इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका फटाफट। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 cm, 8 cm, 10 cm रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तीन छोटे छोटे अलग अलग साइज के गोले हैं, उन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया है, एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, तो जो बड़ा वाला गोला बना है उसकी रेडियस हमको बतानी है। इतना सवाल है, सब सवालों में यही होगा, कुछ का कुछ बनता रहेगा। अब तो आइए इसके यहाँ पे थोड़ी सी इमेज बना लेते हैं। तीन अलग अलग गोले हैं, एक छोटा है, फिर एक उससे बड़ा है, फिर एक उससे बड़ा है। इसकी रेडियस है 6 cm, इसकी रेडियस है 8 cm, और इसकी रेडियस है 10 cm। ठीक है, इस तरीके के तीन छोटे छोटे अलग अलग साइज के गोले हैं, जिनसे मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उसकी हमें रेडियस बतानी है। ठीक है, बल्कि बड़ा गोला है ना, तो इसकी बड़ी आर कर दो, ये ले जी रेडियस बतानी है। ये हमने एक रफली फिगर बना ली समझने के लिए। तो वही बात कि इन तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा इस अकेले के वॉल्यूम के, क्योंकि इन तीनों को पिघला कर वो बना है, जो इन तीनों के अंदर लोहा या जो भी चीज लगी होगी उसी से तो वो पूरा एक बना है, तो इसके अंदर जो लगा हुआ सामान है वो उसके अंदर लगा हुआ है, इनका मतलब इसका वॉल्यूम बराबर है। ठीक है जी, तो आइए इनका वॉल्यूम बराबर रखेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा जी, 4/3 πr³, ये बराबर होगा छोटे वालों के सभी के 4/3 πr₁। ठीक है, इसको आप r₁ नाम दे दो, पहले वाला जो छोटा वाला है इसकी रेडियस को r₁ बोल दो, इसकी को r₂ बोल दो, इसकी को आप r₃ बोल दो। तो r₁ का क्यूब प्लस दोबारा से आप लिखेंगे 4/3 πr₂ का क्यूब प्लस तीसरे का लिखेंगे 4/3 πr₃ का क्यूब। तो इस तरीके से आपके ये फॉर्मूला इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, r₃
और ये आ जाएगा आपका R2 और ये अब R1 है, ठीक है, ये आपका है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फॉर्मूले को, क्यों बड़ा लंबा हो गया भाई, फोर थर्ड पाई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर 4/3 पाई R का क्यूब तो एज इट इज रहने देंगे, इधर हम इन तीनों में कॉमन लेंगे 4/3 पाई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस आर थ्री का क्यूब, ये रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया है सवाल। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या बताया मैंने, पाई अक्सर कट जाएगा, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा इक्वल के पारे, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा आपका आर का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर आर वन का क्यूब, आर वन है कितनी हमारी 6 है, तो 6 का क्यूब आप करेंगे फिर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब होगा और प्लस 10 का क्यूब होगा, क्योंकि तीनों जो रेडियस है 6 8 10 इन तीनों का यहाँ पर क्यूब हो चुका है, इनका क्यूब आप खोलेंगे तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, 1 से 10 तक का तो याद होंगे कम से कम। तो 6 का आपका होता है 216, 8 का होता है 512 और 10 धाम 100 धाम 1000, ये इन तीनों के यहाँ पर क्यूब खुल चुके हैं, इधर आर का क्यूब चल रहा है, इसको हम प्लस कर लेंगे, 1000 और 500 रहेंगे 1500 और 217, 1716 और 12 कितने रहेंगे आपके 2800 रहेंगे, तो 1728 इसका प्लस आ गया, इसका योग सम आ गया, यहाँ पर आर का क्यूब है ही। अब हमें तो सिर्फ आर चाहिए, रेडियस चाहिए, क्यूब थोड़ी चाहिए, तो इसका क्यूब भी हटाएंगे हम। तो जब इधर से क्यूब हटेगा तो ये क्यूब इक्वल के उधर जाकर क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, क्यूब रूट बन जाएगा। अगर स्क्वायर रूट स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट बन जाता, तो क्यूब है तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो अब हमें 1728 का क्यूब रूट निकालना है और हमारा आंसर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या इसका क्यूब रूट होगा, देखिए 8 किस किस के क्यूब में आता है, 2 के आता है, 2 2 4 2 8, तो इस तरीके से एक तो 2 के में आता है और एक 8 8 के में आता है, 64/8/512 से यहाँ पर आया था इस तरीके से, तो यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, मतलब 2 का ही क्यूब हम यहाँ पर मान के चलेंगे, तो 2 लेंगे तो इसको हटाएंगे, एक बचेगा, एक का एक आ जाएगा, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो बाद में आप देख सकते हैं फ्री टाइम में अपने, ये है क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो वहाँ से मैंने क्यूब निकाल लिया, इसका 12 आ गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, बड़े वाले की जो रेडियस आई है वो 12 सेंटीमीटर आई है। तो हम लिख देंगे रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो भी हमसे पूछा गया उसको हम एंड में लिख देंगे कि वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर आई है। इस कैसे आपके सवाल अब होते चले जाएंगे, छोटे मोटे सवाल हैं आपके, जैसे आप चाहो इसको ट्राई कर सकते हो। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, एक कुआं खोदा गया है 14 मीटर घेरा जमीन के अंदर और जिसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर का है। आइए एक कुआं बना लेता हूँ पहले मैं, तो इस तरह का एक कुआं जो है वो खोदा गया है जमीन के अंदर, जो कि कितना गहरा है खोदा गया है 14 मीटर डीप है और उसका डायमीटर है 3 मीटर, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो 3 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा आपका 1.5, ठीक है, मीटर, जो इसकी रेडियस होगी, इतना हमसे कहा गया। द अर्थ टेकन आउट, अर्थ को बाहर निकाल लिया गया, देखो धरती को बाहर निकाल लिया गया, मतलब मिट्टी जो है बेसिकली मिट्टी यहाँ पर निकाली गई है बाहर। अब भैया कुआं, ये गड्ढा खुदा है, कुआं खुदा है तो इसके अंदर से मिट्टी तो बाहर निकली होगी, तो वो जो मिट्टी बाहर निकली है हैज बीन सेपरेट स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो क्या हुआ, जो भी मिट्टी इसके अंदर से बाहर निकली ना, उसको बराबर फैला दिया गया चारों तरफ इसके और एक रिंग बना दिया गया, एक चबूतरा जिसको आप कहते हैं ना, जैसे कुएं की चादर में आपने देखा होगा एक मोटी सी दीवार, वही दीवार उस निकली गई मिट्टी से बना दी गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मतलब एक चीज से कन्वर्जन हुआ है किसी दूसरी चीज का, वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब हमसे कहा गया है अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ठीक है, वो बना दिया गया है जिसका जो रिंग है वो 4 मीटर चौड़ा है। जो रिंग क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कुआं है, अब इस कुएं के यहाँ से मैं 1 मीटर ये हटाता हूँ, तो ये तो इस कुएं का क्या हो गया, छेद हो गया, ठीक है, गड्ढा हो गया, यहाँ पर 1.5 लिख देता हूँ मैं। अब इसके चारों तरफ इस तरह से वो रिंग जो है वो बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से कुछ बनाया गया होगा। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये अब तो नज़र नहीं आएंगी हमें अगर हम इसको विजुलाइज करेंगे, तो इस टाइप से आपका कुछ ये
गड्ढा बना होगा, ठीक है जी, इस तरह से बना होगा। अच्छा, इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, जाहिर सी बात है, तो इसकी हम कुछ ऊंचाई देंगे, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी इधर से, ये लो जी, ये इसकी ऊंचाई आ गई। इस तरीके से हम ले लेते हैं, यहाँ से ये वाली लाइंस भी अब हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर जा चुकी हैं, तो ये लाइन्स हमें नहीं दिखाई देंगी। तो इस टाइप का अब आपका वो कुछ देखने में लग रहा होगा कि कुआं खुदा है, उसके चादर चबूतरा है। चाहे तो आप यहाँ पर जो है वो फिर अब मिट्टी अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ से खड़े होके आप इसके अंदर से पानी निकालेंगे। इस तरह से आप ये खड़े हुए हैं, ये रहे आपके बाल, और यहाँ से आप बाल्टी डाल लें, ठीक है, समझ जाओ बस, ये हमारी ड्राइंग आ गई। ऐसे आप खड़े हुए हैं तो ये हमारे पास ये एम्बैंकमेंट पूरा बन चुका है, जिसका जो रिंग वाला पार्ट है, रिंग, ठीक है, आ सर्कुलर रिंग और विद 4 मीटर, जिसका जो ये वाला पार्ट है रिंग वाला, ये 4 मीटर चौड़ा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कहाँ गया भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो ये जो हमने इस मिट्टी से ये बनाया है, इसकी हाइट हमें बतानी है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये जो चबूतरा, ये जो पटिया है, जो भी आप बोल सकते हो अपने लोकल लैंग्वेज में, जो भी आप कहते हो, इसकी जो ये हाइट है ये कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है जी। चलिए, अब ये बना किससे है, ये बना है अंदर बने गए सिलेंडर की मिट्टी से। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है पहले अंदर वाले का। सबसे पहला काम ये करते हैं, अंदर जो भी सिलेंडर, सबसे पहले जो गड्ढा हुआ था 14 मीटर गहरा वाला, उसकी हम वो निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल, ठीक है, कुएं का हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या रखेंगे, 22/7, उसकी रेडियस कितनी थी, उसकी रेडियस डायमीटर 3 था ना, तो रेडियस होगी 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, हाइट थी 14 मीटर डीप, 7 से 14 कटेगा 2 बार, 7 × 14, तो 22 और 1.5 × 3 हो जाएगा, 1.5 × 3, इन सब की मल्टीप्लाई होगी 15 या 45 होगा, ये 4.5 हो जाएगा। तो 22 और 4.5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कितनी आएगी इसकी, इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी 22 चौक होंगे 88, और 22 की 0.5 से करेंगे, मतलब 22 का आधा 11, 88 और 11 कितने रहेंगे 99, तो ये हो जाएगा आपका 99 मीटर क्यूब। ये आ गया उस गड्ढे का वॉल्यूम जो हमने सबसे पहले गड्ढा खोद दिया था। अब इतने वॉल्यूम की मिट्टी निकली, इतने वॉल्यूम की मिट्टी निकली, और उससे हमने ये सर्कुलर जो है चारों तरफ बाउंड्री बनाई है कुएं के। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बराबर होगा इस रिंग के वॉल्यूम के। बेसिकली ये एक होलो सिलेंडर होगा, क्या होगा, होलो, खोखला सिलेंडर। कैसे, आप ध्यान से देखिए, ये एक सिलेंडर ही तो बना है, छोटा सा इस तरीके का एक सिलेंडर है, और उसके अंदर भी एक सिलेंडर है, मतलब जो बेसिकली कुआं है, मतलब एक होलो सिलेंडर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब हम बड़े वाले सिलेंडर में से, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है, इसके अंदर इस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हम कम कर दें, इसका वॉल्यूम हटा देंगे, तो हमें ये जो एक्स्ट्रा रिंग वाला पार्ट होगा ना, उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हम करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पाई और एच तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पाई तो 22/7 रहेगा दोनों में, और एच जो है ये हमें निकालना है, तो दोनों की एच तो यहाँ पर भी बनता है बराबर है भाई, ऊंचाई यहाँ भी बराबर है, ऊंचाई यहाँ भी बराबर है, तो ये भी सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस का चेंज आएगा। रेडियस का चेंज क्या आएगा, वो चेंज ये आएगा कि अंदर वाली जो रेडियस, एक तो हम पूरी रेडियस लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो होगी हमारी 4 मीटर ये, और 1.5 ये, मतलब 5.5 मीटर स्क्वायर में से माइनस करेंगे हम अंदर वाली, सिर्फ ये वाली 1.5 वाली हम माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ हमें सिर्फ ये बाउंड्री मिल जाएगी फिर। तो समझ में आ रही होगी आपके बात, कि जब हम पूरे सर्कल में से, पूरे सिलेंडर में से ये छोटा वाला सिलेंडर, छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो हमें ये रिंग जो है, ये रिंग मिल जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हमारा बन रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे 99 इधर रहेगा, इधर पाई की जगह आप 22/7 रख देंगे, 22/7, एच हमें निकालना है, एच का एच रहने देंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप कई तरीके सॉल्व करने के, या तो आप इन दोनों का स्क्वायर निकाल लीजिए और उसको आप माइनस कर दीजिए, ये भी एक तरीका है, या फिर आप इसको देखेंगे तो ये ए और बी इसको मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप चाहे कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको मैं ए मानूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि खुलता है ऐसे ए प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी एक बार में करूंगा, मतलब 5.5 और 1.5 में एक बार जोड़ूंगा, तो ये बन जाएगा 5 और 1 6 और आधा आधा 7, तो 7 का स्क्वायर यहां पर बन जाएगा ये 7,
ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार इनको माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो 5.5 में 1.5 जाएगा तो ये बचेगा 4, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 चौक 28, तो 28 आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 28, और 28 7 से कट जाएगा 7 चौक 28, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, तो ये एच मल्टीप्लाई बाय 88 हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, इधर 99 है ये हमारा, एच निकालना है हमें तो हाइट निकालना, तो ये 88 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 निम्न 99, 11 8 88 होते हैं, इसको आप और काट दीजिए। अब कैसे काट सकते हैं आप, इसको काटेंगे 8 एकम 8, ठीक है 8 एकम 8 एक बचेगा, पॉइंट लो आगे 0 उतार लेंगे तो 10 बन जाएगा, फिर दोबारा से 8 एकम 8, फिर 10 में से 8 जाएगा 2 बचेंगे, तो 8 दूनी 16 20, और फिर 4 बचेगा 8 पंचे 40, तो 1.125 मीटर ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो हम लास्ट में लिख भी देंगे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है हाइट ऑफ एम्बैंकमेट जो भी है कितनी है 1.125 मीटर। इस तरीके से आपका ये सवाल हुआ, काफ़ी गहरा काफ़ी अच्छा और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सवाल था। मैं पूरा ही फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिए, पूरे सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आंसर मैंने थोड़ा सा उधर लेफ्ट साइड में कर दिया है क्योंकि स्पेस कम था मेरे पास नीचे, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिसेंट तरीके से आप इसको पूरे को लिखेंगे और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से इसको फेयर करके सारी स्टेटमेंट के साथ इसको कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर हो चुका है। अब बस यही है आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, अब सब कुछ यही होगा, बार बार यही चीजें रिपीट होंगी। क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो भी कुएं वाला है लेकिन वो इससे भी आसान है, तो वो वाला आप ट्राई करना। आइए इसके कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर आइसक्रीम का ये सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखाएगी, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एक बेलन आकार कोई कंटेनर है, पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ड्रॉ कर लिया, इस तरह का एक कंटेनर है, सर्कुलर है शेप में, ये आ गया रे, ठीक है। Having diameter 12 सेंटीमीटर, जिसका डायामीटर व्यास जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर का है, मीटर का है, सेंटीमीटर का है, ठीक है जी। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो 6 सेंटीमीटर की होगी। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी दे रखी है, तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है जी, वो 15 सेंटीमीटर की है। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है जी। आगे कहा गया है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर की जो आइसक्रीम है उनको कोन, आइसक्रीम कोन्स जो आते हैं उनके अंदर फिल किया गया, छोटे छोटे कोन है, इस तरह का आइसक्रीम का कोन है उसके अंदर इसको फिल किया गया है, जिसकी हाइट जो है, जिस कोन की हाइट जो है वो 12 कितनी 12 सेंटीमीटर है, और उसका डायामीटर जो है वो 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो उसकी 3 होगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट रेडियस लिख देता हूँ क्योंकि रेडियस का ही हमारा काम होता है। Having a hemisphere shape, और इसके ऊपर hemisphere shape भी है, अच्छा मतलब कौन इस तरह के का है भाई, नीचे भी आइसक्रीम भरेगी इसके अंदर, ऊपर जो यहाँ पर इसके ऊपर hemisphere है यहाँ पर भी आइसक्रीम ही जाएगी, मतलब इसके अंदर दो शेप्स आ चुकी हैं। तो यहाँ से हम आइसक्रीम निकाल रहे हैं और इसके अंदर इस तरह की शेप में भर रहे हैं, कौन के अंदर और इसके अंदर, इस hemisphere के अंदर, ठीक है। यहाँ पर hemisphere जो ये बन रहा है आपका ऐसे करके, ये आपका पूरा हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, तो कितने ऐसे कोन इसके अंदर से भर लिए जाएंगे, मतलब इसके अंदर इतनी आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से कितने कोन हम भर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वर्जन हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम इसका था उसको हमने अलग अलग छोटे छोटे कोन्स के वॉल्यूम में बांट दिया। मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कोन्स या कुछ भी नंबर ऑफ निकालना हो कितने आ जाएंगे कितने बन जाएंगे, तो क्या करना है, बड़ी वाली चीज़ के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे छोटी वाली एक चीज़ के वॉल्यूम से, ठीक है। जो भी यहाँ पर आर्टिकल होगा, जो भी यहाँ पर कुछ भी सॉलिड होगा, उस एक के वॉल्यूम को से हम डिवाइड कर देंगे बड़े वाली चीज के वॉल्यूम को, आपका आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। तो वही करते हैं हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किस किस को, पाई आर स्क्वायर एच को, मतलब कि हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है जी, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर बड़ा है तो मैं दोनों बड़े बड़े कैपिटल आर और एच का यूज़ कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये थोड़ा सा देखने की बात है। देखिए कोन जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो इसके अंदर नीचे कोन ही है मतलब शंकु ही है और ऊपर हेमीस्फेयर है, तो आइसक्रीम के कोन में दो फिगर आ रही है, तो हम इन दोनों का ही वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस
टू थर्ड पाई आर क्यूब जो कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो ये कोन प्लस हेमिस्फेयर दोनों का वॉल्यूम जुड़कर पूरे इस कोन का आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम बन गया। उस पूरे एक के उससे हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया बड़े वाले को, तो नंबर आ जाएंगे कितने कोन हमारे लगेंगे। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्ट आंसर लेकर आएंगे, आइए रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, आर कौन सी आएगी, इस वाले बड़े वाले की आएगी, तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 आएगा, 6 × 6 आएगा। हाइट कितनी है इसकी जी, 15 सेंटीमीटर है, 15 आ जाएगा, ये आ गया, डिवाइडेड बाय। अब नीचे काफ़ी कुछ है, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो, काम आसान कर लो अपना। तो यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है नीचे बटे में 3 पाई और आर का स्क्वायर, तो मैं कॉमन ले लूँगा क्या क्या, 1/3 पाई आर का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या क्या रह गया भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया सिर्फ और सिर्फ एच, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर 2 ऊपर था तो 2 तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमने 2 थोड़ी कॉमन लिया, सिर्फ नीचे का 3 हमने बाहर निकाला है, तो 2 रहेगा, पाई का पाई बाहर आ गया, और आर का क्यूब था, 3 आर थी क्यूब में थी, 2 आर हमने बाहर ले ली, तो 1 आर बचेगी अंदर, यहाँ पर 1 आर रह गई। अब देखिए ये है बटे की बटा, जब भी अपोन की अपोन हो तो क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो आपका ऊपर आ जाता है, तो ये आ गया आपका 3 ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ से ये 1 भी हटा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पाई एकम पाई ही होगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, चीजें आसान होती रहेंगी आपकी नजरों के सामने। अब देखिए ऊपर रह गया हमारे पास क्या क्या, 3 × 6 × 6 × 15, तो ऊपर ये रह गया आपका क्या क्या रह गया, 3 × 6 × 6 × 15 15, नीचे क्या क्या रह गया, आर का स्क्वायर, ये कौन सी आर है, ये इस छोटे वाले इसकी आर है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी आपका 9 होता है, 3 × 3 = 9 होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, एच, हाइट किसकी है, इसी कोन की हाइट है, 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस 2R, R का डबल, ठीक है, R का डबल, R कितनी थी हमारी, 3 थी, और 3 का डबल हो जाएगा 3 × 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 ही आ जाएगा। इस तरीके से आपका आ चुका है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सब कुछ हमारे पास हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें डिवाइड करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 से ये कटेगा तो 3 × 3 = 9 होता है, ठीक है जी, इस 3 से ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6 होता है। ऊपर क्या क्या रह गया, ऊपर रह गया आप 2, 6 और 15, नीचे क्या रह गया, आप नीचे रह गया आपका 12 और 6 = 18, 18 नीचे रह गया, आप इसको डिवाइड कर दो, तो हम डिवाइड करेंगे 2 × 18, 9 बार ये कट जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 × 6 = 3, 3 × 9 ऊपर रह जाएगा हमारा कितना, 15 × 30 ऊपर आ गया, नीचे बटे में 3 है, और 3 से ही जाएगा 10 बार, 3 × 3 = 30 होते हैं, तो 10 आ गया। मतलब आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ कोन, कितने कोन लगेंगे या कितने कोन्स में आइसक्रीम आ जाएगी, ऐसे 10 कोनों के अंदर ये सारी आइसक्रीम हमारी आ जाएगी, ये हमको एंड में अपना लिखकर बता देना है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। तो जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं सब में आपकी यही ट्रिक लगनी है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है जो मैंने यहाँ पर आपको करवाया है। मैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट के साथ करके आएंगे, एक एक स्टेप आप करके पूरा दिखाएंगे, जब भी आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक मत लगाना आप, आपके हर एक स्टेप का एक नंबर होता है, तो इसलिए आप पूरा ही बड़ा सा करके आना। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आइए इसके एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा बहुत ही जल्दी, एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखेंगे, लॉजिक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अब तक का सबसे एडवांस क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, अभी आपको सवाल पढ़ के बताता हूं। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, एक नाला है, एक बड़ा सा गहरा नाला है जो कि 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है, 1.5 मीटर गहरा है। इस फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 km/h जो 10 km/h की रफ्तार से बह रहा है, जी हाँ रफ्तार स्पीड आ गई मेंसुरेशन में, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको पहले कैनाल बना के दिखाता हूँ। तो इस तरह का आपका कुछ कैनाल बनेगा, मैं एक रफली आइडिया आपको दे देता हूँ, ये आपका आ गया कुछ इस तरह का, ठीक है, 1.5 मीटर जो है ये गहरा है, मतलब इस तरह से ऊपर से हम गहराई देखेंगे, और 6 मीटर जो है ये चौड़ाई है इसकी, इस तरह के से पीछे जा रहा है ये, और ऐसे समझ लो पीछे जा रहा है। अब इसके अंदर से क्या हो रहा है, पानी बह रहा है 10 km/h की रफ्तार से, इसके अंदर से फुल पानी भरता हुआ आ रहा है, इस तरीके से फुल आ रहा है पानी इसके अंदर से बहता हुआ, ऐसे करके नीचे गिर रहा है। अब क्या होता है,
हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट के अंदर ये कितना पानी दे देगा, कितनी इरीगेशन, एक जो खेत है, जो जमीन है हमारी, ठीक है, जिस जमीन को ये पानी पहुंचा रहा है, जो भी हमारा जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को ये आधे घंटे में कितना पानी पहुंचा देगा। तो एक घंटे में अगर हम बात करें प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से पानी दे रहा है, तो आधे घंटे में क्या देगा, 5 किलोमीटर की रफ्तार से। सीधी सी बात है भाई, एक घंटे में दे रहा है 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में देगा, इसका भी आधा कर दो, 10 का आधा 5 किलोमीटर पानी देगा, ये 5 किलोमीटर चौड़ा पानी देगा, ऐसे समझ लो आप बिल्कुल, ठीक है। तो हमें अगर पानी का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा, तो वो जो लंबाई है 5 किलोमीटर, वो आ जाएगी, हमारी लंबाई में काउंट होगी और हमारी चौड़ाई और ऊंचाई ये है ही। तो इस तरीके से ये जो क्यूबॉइड आपको अब दिख रहा है, घनाभ आपको नजर आ रहा है, हमें इस घनाभ का, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो पानी का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कि कितना पानी लगेगा, ठीक है। आइए तो हम क्या निकालेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ कैनाल आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनाल या वॉल्यूम ऑफ, जो भी आप लिखना चाहें अपने हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ द कैनाल। अब ये है क्यूबॉइडिकल, घनाभ की फॉर्म में, तो घनाभ का जो क्यूबॉइड होता है वो होता है आपका वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला आपका होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई हम सिर्फ 30 मिनट की बात कर रहे हैं, एक घंटे में 10 किलोमीटर लंबाई हो गई, तो आधे घंटे में 30 मिनट में इसकी आधी 5 किलोमीटर, मतलब अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो 5000 मीटर, 5000 मीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। मल्टीप्लाई में मीटर में क्यों लिखा, क्योंकि बाकी के दोनों यूनिट भी मेरे मीटर में हैं, अगर मैं इनको किलोमीटर बनाने चलूंगा तो फिर पॉइंट में आंसर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी जाने में, इसलिए मैंने क्या करा, इसको मीटर बना लिया। अब हमारी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 6 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो ये इसका आ जाएगा वॉल्यूम। तो 15 × 90 आ जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है, 15 × 90 आ जाएगा, पॉइंट हट के वो 0 हट जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45,000 मीटर क्यूब। ये आ गया आधे घंटे में जो पानी आएगा हमें मिलेगा, वो सारे पानी का वॉल्यूम इतना होगा, मतलब अगर हम उस पानी से टंकी भर दें तो इतना वॉल्यूम वो पानी का होगा, इतनी वॉल्यूम की टंकी भर देगा पूरी। लेकिन वो पानी गया है एक ज़मीन के अंदर, इरीगेट हुआ है, फैला है, ज़मीन के अंदर पानी दिया गया है। अब पानी ज़मीन में आ जाए, पता है आपको, जब पूरी ज़मीन को पानी दिया जाता है तो कुछ पानी जो है ज़मीन पे भर जाता है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा भर जाता है पानी। आप कभी खेती में जाएंगे, खेतों में जाएंगे तो आप देखेंगे, जब भी पानी दिया जाता है तो थोड़ा सा पानी क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, तो पानी इससे थोड़ा सा ऊपर तक भरा जाता है, मतलब इतना इतना पानी मिट्टी में ऊपर तक चढ़ जाता है, जैसे कि पानी भर गया। तो इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब हमें सिर्फ इतना ही पानी भरना है मिट्टी के ऊपर 8 सेंटीमीटर तक, ज़्यादा भरेंगे तो फिर फसल ख़राब हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर ऊँचाई तक पानी भरना है, मतलब ये ज़मीन से जो पानी की जो ये ऊँचाई रहनी चाहिए, ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए, हमें इस हिसाब से पानी भरना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अब डिवाइड करेंगे, समझ में आ गई बात, बड़ी चीज के वॉल्यूम को छोटी चीज के वॉल्यूम से, छोटी चीज से डिवाइड करना, अब हम 8 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल में कितना आएगा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर है ये, तो इसका पहले मीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर बनाएंगे, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम इसकी 100 से डिवाइड करेंगे, और इसका मतलब कितना आएगा भाई, यहां पर आपका आ जाएगा 0.08 मीटर। तो हम क्या करेंगे, अब हम इरिगेशन पता लगाने के लिए इसकी, जो भी हमारा आंसर आया, इसकी 0.08 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल एज दैट, ये हमको करना है। अब इसकी जब मैं डिवाइड करूंगा, चलो यहाँ पे मीटर क्यूब रहने दो भी, अब इसकी डिवाइड करेंगे तो देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट दो के बाद लगा था ना, दो अंकों के बाद था, तो उसके बदले की क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पर ऊपर और लग जाएंगी। अब डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 × 5 = 40 होगा, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 2 बचेगा 8 × 2 = 16, 4 बचेगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, मतलब 8 × 2 = 16, 4 = 40 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ तक हो चुका है ये, और फिर इसकी 2 जीरो हमारी एक्स्ट्रा वाली आ गई। तो इतना आपका आंसर आ गया कि इतने मीटर स्क्वायर ज़मीन आ गई निकल के आपकी, ठीक है, टोटल ज़मीन आ गई आपकी, कि इतनी ज़मीन में, मतलब इतने एरिए में आपका जो है वो पानी इरीगेट हो जाएगा, ये सारा जो भी पानी हमारे पास आया था, अगर इतना ऊंचा पानी हम मान के चलेंगे, तो इतना हमने डिवाइड कर दिया, अब ये पूरी ज़मीन का बराबर पानी आ गया। इसको अगर आपको हेक्टेयर में आंसर देना है, तो 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर होते हैं, तो इसको आप जब 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर,
ठीक है, हेक्टेयर में देना है तो आप लिख भी सकते हैं वन हेक्टेयर जो होता है वो बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। ये छोटा सा पॉइंट था, यूनिट कन्वर्जन था, ये आपको मीटर स्क्वायर में छोड़ना चाहो उसमें छोड़ सकते हो, हेक्टेयर में देना चाहो हेक्टेयर में दे सकते हो। मैंने दोनों ही आंसर आपको बता दिए। तो एक बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल था ये, जो यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड में कर लिया है, लेकिन आप सारी स्टेटमेंट लिख कर करेंगे। इस तरीके से जो सवाल मैंने इसके नहीं करवाए हैं वो इसलिए नहीं करवाए क्योंकि उन जैसे सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसी वीडियो में, तो वो उसी की तरह है, कन्वर्जन होगा, कुछ का कुछ बनेगा, बाल्टी पलटी जाएगी धान की, वो कुछ कौन बन जाएगा, मतलब वो सारे ऐसे हैं कि आप कर सकते हो, इसलिए मैंने छोड़े भी। अगर फिर भी आपसे ना हो पाए तो मेरे दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, मेरी पर्सनल आईडी भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी हमारी वेबसाइट है वहां ला सकते हैं www.drsir.in पर, वहां पर आपको काफी कुछ है आपके लिए, कुछ टेस्ट सीरीज भी हम ला रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो वो टेस्ट सीरीज भी ले सकेंगे, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए बहुत कुछ इंतजाम हमने कर रखा है अपने एंड पर, आपको बहुत अच्छी सर्विस हम देते रहेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। एक मिनट चैप्टर सर, एक एक्सरसाइज तो और रह गई है अभी इसकी, 13.4 फ्रस्टम वाली। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वो वाली एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। जी हाँ, एक्सरसाइज 13.4 आपकी रिड्यूस हो चुकी है, इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन हमें पढ़ना पड़ता था, तो वो अब आपके उसके क्वेश्चन अब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। तो आपको इसकी खुशी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि पूरी एक एक्सरसाइज हमारी पढ़ने से बच चुकी है, तो इसका मतलब यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रस्टम वाले सवाल समझने हो तो मैंने लास्ट ईयर उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, यहां पर इसका लिंक आ जाएगा, आपको सर्च करेंगे आप मेंसुरेशन बाय डियर सर, ठीक है, वहां पर आपको फ्रस्टम वाले जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप सर्च करेंगे तो आपको फ्रस्टम वाली वीडियो जो है पार्ट टू, उसमें मैंने उसके क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, फॉर्मूले भी याद करवाए उसके, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो। वैसे तो रिड्यूस हो चुका है तो वो नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इसका मतलब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा आपको, आपको मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा आपका ये सपोर्ट कि हम 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से दोस्तों। इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए आपका, हम 10 मिलियन भी पहुंचेंगे और सबसे बेस्ट चैनल यहां पर बनके दिखाएंगे यूट्यूब के। हम हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में और हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जगह ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें, आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आपके एग्जाम का पूरा ठेका हमने ले रखा है, आप समझ लीजिए। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।